अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, मेरे प्यारे प्यारे मैके वालों, ये है मेरा सेकंड पीस जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ. और इसी तरह रोज़ाना मैं आपको अपने कलेक्शन का एक एक पीस दिखाती रहूँगी. निदा यासिर कलेक्शन आपके सामने है. जो मेरा पहला पीस था वो एक्सक्लूसिव था. मैंने आपको बताया था कि वही लिमिटेशन है, बस उतना ही महंगा जो है मेरे पास वही है. उसके अलावा जो बाकी सब हैं वो बिल्कुल बिल्कुल आपकी जेब पे भारी नहीं होंगे और इतने महंगे नहीं होंगे. तो ट्रस्ट करें मुझ पर, क्योंकि मैं फास्ट फैशन पर बिलीव नहीं करती. मैं नहीं सोचती है कि ओहो अभी पहना लॉन का जोड़ा और उसके बाद अगली धुलाई में ख़त्म, बस एक दफ़ा पहन के ख़त्म. जिस तरह नानियाँ दादियाँ कहती थी ना कि हम तो अपने कपड़े बड़े संभाल के रखा करते थे, बच्चों तुम लोग तो एक दफ़ा पहना और ये रंग पता नहीं क्या हो जाता है, रंग धुल जाता है, गायब हो जाता है, उड़ जाता है. हमने इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कपड़े डिज़ाइन किए हैं, कपड़े डाई कलर करवाए हैं, इसके कलर्स वो डाई करवाए हैं. एक तो जो आपको आम मार्केट में कलर्स नहीं मिलेंगे, एक दूसरा पक्के डाइज हैं, आपको धोखा नहीं देंगे जैसे मैं नहीं देती धोखा. तीसरा मैंने अपना कपड़ा खुद सेलेक्ट किया, नकाब कर करके मैं सब बाज़ारों में घूमी हूँ. जो कपड़ा मुझे अच्छा लगा, मेरी बॉडी को अच्छा लगा, वो मैंने आपके लिए चुना. एक्सपीरियंस टीम में 30 साल पुराने मास्टर हैं हमारे पास, और एक्सपीरियंस टीम है मेरे पास. साथ साथ हमने एक दफ़ा, हमें मेरी लॉन्च क्यों लेट हुई, कब से मैं आपको कह रही थी कि आ रही है निदा यासिर कलेक्शन आ रही है, इसलिए कि मेरे मतलब का डाई नहीं आ रहा था. हम लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये डाई जो हम चाह रहे वो नहीं आ रहा, तो बार बार डाई कराने से हम वो कलर्स पा सकें जो आपको बहुत डिफरेंट नज़र आएंगे. एक्सक्लूसिव एम्बेलिशमेंट है. अब आप देखिए, आप कहेंगे हाँ इसमें तो कुछ है ही नहीं, सादा है. बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, लेकिन मिनिमलिस्टिक पे बिलीव मैं रखती हूँ. आमतौर पे मैं सादे कपड़े पहनना पसंद करती हूँ, क्योंकि ये हर फैशन में, जब भी फैशन रिपीट भी होता है, ये हर फैशन में आपको नज़र आएंगे. शॉर्ट शर्ट्स भी हैं हमारे पास, लॉन्ग शर्ट्स भी हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कपड़ा ऐसा पहने जो आपको स्लिम दिखाए. आप यार हमारी बॉडी होती है, बच्चों के बाद हम बढ़ जाते हैं. अब खाना बहुत मुश्किल है कंट्रोल करना, इतने सारे और काम होते हैं. तो कुछ ऐसा पहने जो आपको पतला दिखाए. मेरे सारे कपड़े आपको बहुत दुबला दिखाएंगे, आप नोट करेंगे जो इसके कट्स हैं वो आपको दुबला दिखाएंगे. मैंने इस चीज़ पे फोकस किया है कि आपको कट्स दुबला दिखाएं. मैंने इस चीज़ पे फोकस किया है कि आपको ये पहनने में कम्फर्ट दें. मैंने इस चीज़ पर फोकस किया है कि कपड़े की क्वालिटी अच्छी हो, डाइज अच्छी हों, कच्चे रंग ना हो, आपको बिल्कुल परेशानी ना फेस करनी पड़े. और इतने साल आपका ट्रस्ट निभाया है, अब भी निभाऊंगी इंशाल्लाह ताला, यही वादा है. तो जनाब ये है मेरी मेरा सेकंड पीस. मुझसे टीनेजर लड़कियां पूछ रही थी हमारे लिए कुछ है, तो ये मेरी बेटी का फेवरेट पीस है. मेरी बेटी को बहुत पसंद आया, तो उसने कहा था मम्मा मुझे ये ख़रीदना है, मुझे ये ख़रीदना है. मैंने कहा ठीक है ऑर्डर करो. जैसे ऑर्डर करने का तरीका है, फ़ोन करें या DM करें. इंस्टा का पेज है @nyc.pk और फेसबुक का पेज है NYC. इतनी खुशी होती है डायरेक्ट आप लोगों से बात करने में, जब आप इंक्वायरीज कर रहे होते, तो मैं भी अंदर चली जाती हूँ अपने ऑफिस में और उसके बाद जाके चेक करती हूँ क्या मैसेजेस आ रहे हैं, अच्छा बुरा सब जो भी आप कह रहे होते हैं सब देख रही होती हूँ, सुन रही होती हूँ. और वाकई ऐसा लग रहा है कि आप लोगों से एक और ज़्यादा कनेक्शन बन गई है मेरी आपसे बात करना. और आपको पता भी नहीं चलता, आपको पता भी नहीं चलता, एक आध फ़ोन तो मैं भी उठा लेती हूँ ऑर्डर लेने के लिए. सीरियसली इतना मज़ा आ रहा है, इतनी एक्साइटमेंट है कि मैं आप लोगों से बराह रास्त ऐसे बात कर पा रही हूँ. ऐसे तो हम कैमरे के आगे पीछे होते हैं, लेकिन आपकी आवाज़ सुनना, आपसे बात करना, आपके क्रिटिसिज्म, आपकी तारीफ़, ये सब वसूल करना, मुझे लगता है कि अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है कि मैं आपके साथ इस तरह कनेक्टेड हूँ. और शायद सच्चे दिल से कनेक्टेड हूँ, इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये मॉर्निंग शो चलता जा रहा है. एक मोहब्बत और प्यार का रिश्ता है. बहुत अच्छी प्लानिंग्स की भी हमने आपके लिए आगे चल कर के, बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हमने आपको दिखाने हैं, बड़े मज़े मज़े की बातें हमने करनी हैं, बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर आ रहे हैं. और 2020 आने वाला है, नया साल शुरू होने वाला है. इस साल में मैं आपसे अपनी कनेक्शन और भी ज़्यादा मजबूत करने की लालच में ये
कलेक्शन लेकर आई हूँ NYC नंबर. मैं फ़ोन नंबर एक दफ़ा बताना चाहूँगी आप लोगों को. बैंड पे भी चल रहा है, आप देख सकते हैं, और इस बैंड पे आप नंबर भी पढ़ें. अगर नहीं समझ आ रहा तो मैं बताती हूँ, 0303-206-3121. कुछ पता नहीं आपको कि आपका फ़ोन मैं ही रिसीव कर लूँ, यू नेवर नो. अच्छा जी, मार्केट में एक ज़बरदस्त, आप देख रहे होंगे इंस्टा पर, बड़ा एक ज़बरदस्त कार्ड हर आपको व्लॉग पर या हर आपको पेज पे नज़र आ रहा है. बड़ा इंटेलिजेंटली शादी का कार्ड बनाया गया है ये, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनका कार्ड कुछ ऐसा ही होगा. इकरा और यासिर की शादी अनगरीब होने वाली है, उसका कार्ड मैं आपको दिखाना चाहूँगी. देखिए ये कार्ड यहाँ लिखा रखा है, इस पे लिखा गया है खादिम साहब का लड़का यासिर, ठीक है, और फिर नीचे है, बता इतनी वो मुझे पढ़ा नहीं जा रहा क्या है, हाँ, अजीज साहब की लड़की इकरा, समझदारी की मिसाल. और उसने अपने नीचे लिखा है, यासिर ने दे रहा है दुरुस्त है, 28 दिसंबर को पाए, मतलब वेन्यू नहीं लिखा, शुक्र है, नहीं तो पता नहीं कौन कौन आ जाता. लेकिन जो और मज़े की बात क्या है, इन्होंने लिखा है गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है, सलामी मशवरे की तरह दिल खोल कर दे, सलामी मशवरे की तरह दिल खोल के दे. तो जो उसकी उसकी जो जो उसका जो भी कार्ड का क्या कहते हैं उसे मटीरियल है, कंटेंट है, वो बहुत मज़े का है, पढ़ने में मज़ा आया. तो बहुत एक्साइटेड, बहुत सारी दुआएं एडवांस में माशाल्लाह से आप लोगों के लिए, दोनों के, इकरा और यासिर के लिए. हमारी पूरे व्यूअर्स की तरफ से अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत सारी खुशियां एक साथ देखने का मौका दे. आज हम क्या कर रहे हैं अपने शो पे, आज हम फिर आपको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. और ये समझे कि एक मेरी ज़िंदगी में जो अहम चीज़ है, एक है मेरी बच्चों की परवरिश, कि मैं उनको अच्छा इंसान बनाऊं, यासिर को खुश रखूं, अपने माँ बाप को और बहन भाइयों को खुश रखूं, और साथ मेरी ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा इस तरह हुआ है इतने सालों से कि मैं अब आपको खुश रखने की कोशिश करती हूं. अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ साथ मैं आपके लिए कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि आपको खुशी महसूस हो. ये सुबह 2.5 घंटा जब आप मुझे देखें ना, तो आपके चेहरे पे शिकन ना आए और हल्की सी मुस्कुराहट आए, और वो मोहब्बत जो आप मुझे देते हैं वो देते रहे. मैं इतनी लालची हो गई हूँ आपकी मोहब्बत की, जानते हैं आप लोग. तो मैंने आज से ये सोचा है, मैं जहाँ जहाँ जिस जिस जगह जहाँ नया खाना ट्राई करूँगी, जहाँ जहाँ जाऊँगी, मैंने आपसे ज़रूर शेयर करना है. चाहे छोटी सी वीडियो अपनी मोबाइल से बना लूँगी, लेकिन मैं आपसे अपनी चीज़ें शेयर करूंगी. कोई अच्छे मशवरे होंगे, कोई चीज़ मुझे पता चलेगी, मैंने आपको ज़रूर बतानी है. ये 2020 का मेरा नया प्लान है कि सब कुछ बता दो, ये मैंने सोचा. न्यू ईयर रेजोल्यूशन, कोई राज छुपाना नहीं है. स्किन क्यों अच्छी हो रही है, पतले क्यों हो रहे हैं, हाथ पांव कैसे सलामत रहें, अच्छे रहें, अगर कोई अच्छी टेक्निक होगी कि आपका काम जल्दी सिमट जाए, मैं इन चीज़ों पे रिसर्च करती रहूँगी. और आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए ये मॉर्निंग शो 2020 तक से आगे लेके चलूँगी इंशाल्लाह. एक ब्रेक, ब्रेक के बाद आज का टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपने ज़रूर देखना है, और बहुत कुछ सीखने का मौका आज भी हम आपको देंगे. और भाई जल्दी से ऑर्डर कर दें, मैं बताती रहूँगी निदा यासिर कलेक्शन का दूसरा पीस, और जाके देखिए इसकी प्रॉपर मॉडल के ऊपर कैसा लग रहा है, ज़रा जाके देखिए मेरे पेज पे nyc.pk या nyc फेसबुक पर. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, nyc कलेक्शन के साथ. nyc हाँ, NYC है ना मेरी कलेक्शन का नाम, निदा यासिर कलेक्शन भूल गई ना, मतलब नया नया है ना, अभी तक पता नहीं है ना इतना कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना. तो बहरहाल ये कलर आपको कैसा लग रहा है, इस कलर को मैं कहूँगी मिड नाइट ब्लू, ठीक है, और मटेरियल जो है वो कॉटन साटन है. एक्चुअली मिड नाइट ब्लू से थोड़ा सा लाइट कलर होगा ये, मिड नाइट ब्लू थोड़ा डार्क होता है, लेकिन ये कलर खास ट्राई करवाया, मेरा इतना फेवरेट कलर है ये, मुझे बहुत हॉन्ट करता, बहुत स्क्रीन पे भी बहुत अच्छा लगता है, वैसे भी बहुत अच्छा लगता था. तो जो मेरे फेवरेट कलर्स हैं वो मैंने अपनी कलेक्शन में सब डाले हैं. आज हम आपके लिए शो पे क्या कर रहे हैं, आज हम आपके लिए शो पे सस्ता और महंगा बराबर, सस्ता महंगा बराबर, कुछ समझ आई.
देखिए हम क्या करते हैं, आपको बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट आके ये भी बताते हैं कि आप फलाना मेकअप खरीदें, फलाना मेकअप खरीदें, उसका ये इफेक्ट आएगा, उसका ये इफेक्ट आएगा. नो डाउट, अगर आपको अच्छा मेकअप करना आता है तो आप हर मेकअप से इफेक्ट्स ला सकते हैं. जो सस्ता मेकअप है उससे भी इफेक्ट्स आते हैं, जो महंगे मेकअप है उससे भी इफेक्ट्स आते हैं. हाँ, बस फ़र्क ही होता है थोड़ा सा. जो महंगे मेकअप होते हैं उनसे आपकी स्किन की क्वालिटी ख़राब नहीं होती है, जो लिपस्टिक्स थोड़ी बेहतर होती हैं उससे आपके होंठ काले नहीं होते. लेकिन ये नहीं आप कह सकते कि सस्ते मेकअप से अच्छा मेकअप नहीं हो सकता. महंगे और सस्ते मेकअप दोनों से अच्छा मेकअप हो सकता है अगर आपको मेकअप करना आता हो और आप अपने चेहरे को बखूबी जानते हैं. ये आइडिया, अच्छा ये बात मुझे भी नहीं पता थी, ये आइडिया जब मैं आकिफ के पास अपना फ़ोटो शूट कराने गई तो आकिफ ने मुझे अपने पास स्टूडियो में ऐसी ऐसी चीज़ें, उसके पास बहुत अच्छा मेकअप है लेकिन साथ साथ उसने कुछ ऐसे मेकअप्स भी जमा करके रखे हुए थे जो उसने कहा कि निदा ये इनकी जगह कोई नहीं ले सकता, इनकी जगह कोई नहीं ले सकता. तो ये मुझे दिखाता जा रहा था तो कहने लगा यार एक आइडिया मुझे आया है, हम कोई ऐसा शो करते हैं जिसमें हम लोगों को दिखा सकें कि ये गलत है कि आप महंगा मेकअप खरीद के इतना सारा भर के रख लें. या ट्यूटोरियल्स आपको दिखाते हैं जब लोग, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बताते हैं जिसकी वजह से आपको लगता है अच्छा ये मेकअप इसीलिए अच्छा हुआ है क्योंकि ये महंगा मेकअप है. तो आज आके आपको लाइव यहाँ सस्ते मेकअप से मेकअप करके दिखाएंगे, महंगे मेकअप से मेकअप करके दिखाएंगे और आप खुद पता नहीं लगा सकेंगे कि ये वाली ब्राइड सस्ते मेकअप वाली है या ये वाली ब्राइड महंगे मेकअप वाली है. आइए एक मेकअप क्लास आपकी जेब को मद्देनजर रखते हुए भी आपको सिखाने का हम मौका दे रहे हैं, सीखने का आपको. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में वेलकम करते हैं आकिफ इलियास. मैं आकिफ को हमेशा एज अ मेकअप आर्टिस्ट बुलाया करती थी लेकिन इस दफा तो भाई इन्होंने मेरी जिंदगी में इतनी अच्छी तस्वीरें किसी ने नहीं खींची जो इन्होंने खींची. निदा की पिक्चर खींचने का पता नहीं कब से सोचा हुआ था और फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया और वो इतना अच्छा रिजल्ट आया. बहुत अच्छी. और जो अगर आपने पिक्चर्स देखी होंगी तो हमने सारा ही उसमें जो स्टार्ट किया था वो बिल्कुल नो मेकअप से, जो निदा का एक्चुअल फेस है हमने कुछ किया. मुझे आई लाइक प्रिफर टू लाइक, क्योंकि नॉर्मली निदा वैसे भी इतना मेकअप नहीं करती मगर जो वो शूट किया था उसमें बहुत नो मेकअप मेकअप था. आज जो मैंने उसी वक्त हमारी डिस्कशन हो रही थी तो बिकॉज आई डू, मेरा क्या है कि मैं बॉर्न मेकअप आर्टिस्ट हूँ तो मैंने कुछ और किया ही नहीं लाइफ में. तो मेरा होता है कि फारिग वक्त में यूट्यूब देखना, ट्यूटोरियल्स देखना, पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, बाकी न्यूज से हटके मेकअप के वर्ल्ड में क्या हो रहा है, मेकअप हेयर फोटोग्राफी फैशन के वर्ल्ड में, क्योंकि उसकी इन्फो होना आपको बहुत जरूरी है. क्योंकि हमने स्टिक से शुरू किया था और आज लिक्विड्स और बीबी क्रीम्स आ गई हैं. सही है, एंड स्किन इतनी इंप्रूव हो गई है. स्प्रे मेकअप्स जो कुछ हाँ, जो एयरब्रश मेकअप्स होते हैं एंड यू नो, तो उसके बाद अगर हम ये सब चीजें नहीं देखेंगे तो हमारी ग्रोथ कैसे होगी, हम कहाँ से स्टडी करेंगे. जैसे आप लोग स्टडी करते हैं उस तरह मुझे भी लगता है कि चाहे आप कितने भी अरसा किसी फील्ड को दे दें, आपका हर दिन जो है वो सीखने के लिए बना है. बिल्कुल बिल्कुल जी. यहाँ आकिफ आपको जो जो मेकअप आज करके दिखाएंगे वो उसके साथ ब्रांड्स भी बताते रहेंगे. पता है मैंने जो अभी जो मेकअप है उसमें मेरे पास जो है अभी, मैं यूजुअली बहुत सारा और बहुत सारा ला नहीं सका बिकॉज आई वाज शूटिंग लास्ट नाइट. तो मेरे पास हुदा है, मैक है, फेंटी ब्यूटी है, नार्स है, क्राइलॉन है, हुदा की किट है, मॉफी है, सही है, फिर ये हुदा है, स्मैश बॉक्स है, आइकॉनिक है, ये सब एक्सपेंसिव ब्रांड्स हैं. मतलब है. इनकी जैसे टार्ट हो गया कंसीलर जो है सो यही 10,000 का है. सो कहाँ 10,000 और कहाँ 10-12,000 में सारा मेकअप. बिल्कुल यू नो हेड टू लाइक मस्कारा, लाइनर, आई शेडो किट, ब्लशन, फाउंडेशन, प्राइमर, हाइलाइटर, कॉम्पैक्ट इन 10,000-12,000 रुपीज. बिल्कुल. तो मेरे पास एक दो चीजें थी बिकॉज मैं जब भी यूट्यूबर्स को देखता था तो वो रिव्यूज करते हैं हर मेकअप को लेके. तो बहुत सारे मैंने देखा कि मिस रोज को लेके और सी शेल को लेके, जो ये लोकल ब्रांड नहीं है, ये वो इम्पोर्ट बाहर से ही होते हैं चाइना से, मगर ये होता है कि इनको लोग इसलिए समझते कि यहाँ बनते, यहाँ कोई भी कॉस्मेटिक नहीं बनता, सारा बाहर से इम्पोर्ट होता है. अच्छा. यहाँ तो ऐसे भी पैलेट मिलते हैं जो खाली पैलेट होते हैं उसमें आप अपना नाम लिखवाओ और अपना मेकअप इंडोर्स कर दो. अच्छा. ऐसे भी पैलेट्स यहाँ मिलते हैं पाकिस्तान में भी. सो आपको ऑब्वियसली इतना पढ़ना पड़ता है हर टेक्सचर, हर डे, हर दिन के क्या 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 नया आया है और क्या 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 क्या
जो है हमें रिजल्ट दे रहा है. हमें लगता है हमारा जो एक माइंड सेट है ना हम सबका, सॉरी टू से, वो ये कि एक्सपेंसिव चीज, महंगी चीज जो है ना वो आपको अच्छा रिजल्ट देगी. हाँ, हाँ. चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो स्किन की कोई क्रीम हो, चाहे वो कोई भी घर की भी कोई चीज हो. सूट करने की बात है, मुझे लगता है इट्स नॉट अबाउट ब्रांड, इट्स ऑल अबाउट हैंड्स. एग्जैक्टली. और यू नो, और इसीलिए हमने आज का ये प्रोग्राम डिजाइन किया आपको ये दिखाने के लिए, आपको ये प्रैक्टिकली करके बताने के लिए कि सस्ता महंगा कुछ नहीं है. और जिस तरह के हालात हैं, मतलब हर बंदा एक एक रुपया जमा कर रहा है कि यू नो, और जितना मेकअप पे अभी एक्सपेंसिव हुआ है इन यू नो इस एक साल में, मेकअप में 4-5 thousand ऊपर बढ़ गए. और फिर जब आप सारे ट्यूटोरियल देखते हो इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम मेकअप बहुत लाइट और यू नो वो रिंग लाइट में शूट हुआ हुआ एक तरह का मेकअप है. अगर आज मैं देखूँ तो पहले हर मेकअप आर्टिस्ट की एक इंडिविजुअल क्वालिटी होती थी और उसका एक सिग्नेचर स्टाइल होता था. अभी क्या कर रहे हैं, फॉलो करने के सिस्टम में हम सब एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं. जो इंडिविजुअल क्वालिटीज थी वो हमारी खत्म हो गई. मुझे लगता है कि हम बिल्कुल उसको भूल गए कि हम इंडिविजुअली क्या है, मैं इंडिविजुअल आर्टिस्ट क्या हूँ, मेरी जो अपनी क्रिएटिव थॉट है वो क्या है. तो आई डोंट वॉन्ट टू फॉलो समवन एल्स. तो अभी जो फॉलो करें, तो मेरा ये परसेप्शन है कि फॉलो मत करें, जो आपको दिल करे, जो आपको सूट करे, जो आप कॉन्फिडेंटली कैरी कर सके उस पे गो ऑन हो जाए. बिल्कुल जी. आइए पहली ब्राइड जो तैयार हो रही है यहाँ पे रिदा है. रिदा आ जाओ तुम. रिदा पे ये एक्सपेंसिव मेकअप करेंगे, फिर एक और मेकअप करेंगे जो रीजनेबल कि आप लोग हैरान हो जाएंगे. और मैंने किया और मैंने फिर जाके पूरी रेंज खरीदी. और मैंने बिकॉज हम ये नहीं कि ब्राइड्स की और सलोन में बैठ गए, यू नो मी. सो हम लोग ने ड्रामे से तो स्टिक से शुरू किया, तो हमारा स्टिक को 24 घंटे मेंटेन करना बहुत. अब हम सबसे पहले ये दिखाने वाले हैं कि रिदा को आकिफ बेस कौन सी लगा रहे हैं. रिदा के हल्के से पिंपल्स हैं चेहरे पर. तो यो वो एक्सपेंसिव मेकअप का भी ये ना कि एक्सपेंसिव मेकअप भी मैंने खराब होते हुए देखा है, ऑक्सीडाइज होते हुए देखा है, क्रीस होते हुए देखा है. और मैंने जो बिल्कुल सस्ता वाला मेकअप है उसमें वो चीजें देखी है जो हाई एंड मेकअप की बताई गई थी कि ये क्वालिटीज है. सो इसलिए आई जस्ट वॉन्ट टू अवेयर माई आवाम के नहीं भाई, हर मतलब 100 रुपए से लेके 1000 रुपए से लेके 10000 रुपए से लेके सब में काम हो सकता है. आपको काम निकलवाना आना चाहिए, निकालना आना चाहिए. सो फर्स्ट इसका मैं ब्राइडल मेकअप करके दिखा रहा हूँ जो मेरा सिग्नेचर स्टाइल है. एक ब्राइड करेगा यहाँ पे शारिक मेरा भाई, ठीक है, जो वो ब्राइड है जो मतलब इस वक्त फैशन में है. मतलब वो वाली ब्राइड है जिसका कभी उस मेकअप का फैशन कभी पुराना नहीं होता. और इस वक्त अगर आप देखेंगे तो हर सलोन की ब्राइड्स अगर मैं देखता हूँ तो मुझे एक जैसी लगती है. कभी कभी मुझे अपना मेकअप और दूसरों का मेकअप, बिकॉज हम सब ने ग्लिटर अप्लाई करना और वही थिक लैशेस, बिकॉज वही फॉलो के चक्कर में ना हम अपना स्टाइल भूल गए. सो वो तो फिर ऑब्वियसली वो सब कहता, कोई भी आएगा क्लाइंट तो वो कहता है प्लीज पुट ग्लिटर एंड रेड लिपस्टिक. तो वो ब्राइड होगी जो मतलब क्लाइंट की डिमांड है. और सब जगह इन है इस वक्त उस तरह की ब्राइड. और ये थोड़ा मैं डिफरेंट करने के आपको दिखाता हूँ कि बिकॉज विंटर भी है उस हिसाब से प्रिपरेशन करते हैं. मुझे प्राइमर लेना होगा. वह सबसे पहले मैं इनको अप्लाई करने लगा हूं. जैसे शारिक आ जाओ, शारिक आ जाओ. सबसे पहले मैं इनकी स्किन, बिकॉज विंटर है, ड्राई है, तो मॉइस्चराइज करूंगा. इसी के अंदर इस मॉइस्चराइजर में ही प्राइमर भी है. अच्छा. सो आई एम गोइंग टू अप्लाई मॉइस्चराइजर टू मेक हर स्किन हाइड्रेटेड. अच्छा, मॉइस्चराइजर तो कोई भी हो सकता है.
कोई भी हो सकता है बिल्कुल कोई अच्छा ये प्राइमर के साथ है तो ये है इट्स अ डे मॉइस्चराइजर इसमें नाइट मॉइस्चराइजर भी आता है पामर्स पामर्स का है हाँ पी ए एल एम ई आर अपोस्ट्रोफी एस के साथ पामर्स का है ये और ये बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है ये स्ट्रेच मार्क्स के लिए भी इनकी बड़ी अच्छी प्रोडक्ट्स होती है एंड इट्स अमेजिंग हाँ इसके साथ प्राइमर भी है मॉइस्चराइजर के साथ आपको अब दो दो चीजें लेने की जरूरत नहीं एंड इसका डे मॉइस्चराइजर एंड नाइट मॉइस्चराइजर बोथ आर डिफरेंट अच्छा अलग दोनों अलग अलग है अच्छा ठीक है तो ये ड्राइनेस जरूरी है कि पहले मॉइस्चराइज करें स्किन को प्रेप करके क्योंकि सर्दियों में एक्सप्लोड हो रही होती है स्किन बहुत ऐसा होता है उतर रही होती है लेकिन जैसे लोग खुद करते हैं ना तो उनको ऐसा लगता है जैसे मॉइस्चराइजर लगाने से फेस पे फिर बेस नहीं बैठती मॉइस्चराइजर की क्वांटिटी प्राइमर की क्वांटिटी सम टाइम पीपल पुट जैसे वो नॉर्मली मॉइस्चराइज करते हैं ना वो मेकअप के टाइम भी उतना कर लेते हैं अच्छा हमें उतना नहीं करना चाहिए उतना नहीं करना बस स्किन को एक हल्का सा ड्राइनेस से खत्म करके उसको मॉइस्चर की तरफ लाना है हल्का सा जब ग्लो आने लग जाए स्टार्ट योर मेकअप ठीक है अब हम बेस कौन सी ले रहे हैं वो फिर आके हमें बताने वाला नेक्स्ट स्टेप इसको अच्छी तरह मैंने स्किन से अगर एक्स्ट्रा भी है तो बफ आउट कर दूं अच्छा तो जस्ट कर दिया बिल्कुल बिकॉज़ इसको मैं एटलीस्ट 5 मिनट्स 4 मिनट छोड़ना पड़ता है ठीक है अभी ये इसके ऊपर मैं आइकॉनिक का लिक्विड बिकॉज आई वांट ग्लो ग्लो तो मैं इसको लिक्विड ग्लो दे रहा हूं ये है ये कौन सी ब्रांड है आइकॉनिक 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 इल्यूमिनेटर आइकॉनिक लंदन ये यहाँ नहीं मिलती होगी ना नहीं ये बाहर से अभी हम जो आपको मेकअप दिखा रहे हैं सारी बाहर की ब्रांड्स हैं इम्पोर्टेड मेकअप है और फिर उसके बाद हम आपको सस्ते मेकअप अंडर स्किन जो है ना आपकी अच्छा वो एटलीस्ट मॉश भी होती है इसके साथ और ग्लो भी ग्लो भी आती है अभी आप देखना इंस्टेंट इसके फेस पे कितना अच्छा नेचुरल सा ग्लो आएगा नॉट ओवर ओवर ग्लो भी आपके फेस को फैट और जिनके जैसे पोर्स बहुत खुले होते हैं उनको ग्लो वाला मेकअप नहीं करना चाहिए उनको हमेशा मैट मेकअप करना चाहिए अच्छा वो जगह हाईलाइट होगी हाईलाइट सी स्माइल करने में माथे पे और इधर चीक्स के ऊपर चीक बोन्स पे लगाया ठीक है अभी आई एम गोइंग टू अप्लाई खुद नार्स का फाउंडेशन अच्छा नार्स का फाउंडेशन थोड़ा यूं हो जाए फाउंडेशन दिखा देना ये वाला नार्स का लगाया है और एक मैंने लगाया है हुदा हुदा नार्स और हुदा मिक्स करके नार्स और हुदा मिक्स करके ये लगाया हाँ ये एक डार्क एक थोड़ा सा येलोइश टोन में और एक थोड़ा सा व्हाइट है वो थोड़ा मिक्स करके ब्राइट हमेशा दो फाउंडेशन रखें और मेक योर टोन अकॉर्डिंग टू योर स्किन क्योंकि हाँ आपको नहीं पता यूजुअली हाँ कभी होता है फिर आप पैसे जाया हो जाते हैं हाँ कभी आप बहुत डार्क आ जाते हैं कभी लाइट कभी आ लाइट है। आ जाते हैं कभी ग्रे हो जाते हैं तो इसलिए दो फाउंडेशन एक साथ लें अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ये वो वाला है मेकअप जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं और जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कुछ लोग ये थोड़ा महंगे मेकअप अफोर्ड भी करने की बात नहीं और ये मैंने स्पेशली बताया क्यों लुकअप जब बिगनर्स जो होते हैं ना जो लर्नर्स जो बिल्कुल नए नए आते हैं उनको अगर आप एकदम से एक्सपेंसिव चीजों पे लगा दोगे तो नहीं हमने भी धीरे 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 लो प्रोडक्ट से हाई प्रोडक्ट को यूज करना शुरू किया तो हमें डिफरेंस पता चला कि नहीं यार इसमें ये फर्क था इसमें ये फर्क था ओके दाने वगैरह सब छुप गए हैं ना अच्छा आपको क्या लगता है हुदा की बेस कैसी है अच्छी है इट्स ऑल आपको टेक्निक होनी चाहिए अगर थिक है बहुत तो आप उसके अंदर ज्यादा प्राइमर मिलाएं थोड़ा मॉइस्चराइजर मिलाएं उसको थिन फॉर्म में ले आएं हुदा की बेस थिक है बहुत थिक है और ये नार्स की फुल कवरेज जितना भी फाउंडेशन होगा ना वो थिक होगा क्योंकि मेरे आपने कंसीलर नहीं लगाया ना उसकी जरूरत नहीं पड़ी आपको लगाने की कंसीलर अभी मैं लगाऊंगा आई डू हैव सो मेनी कंसीलर मैं दिखाता भी हूँ
अच्छा आप कंसीलर जो है आंखों के नीचे नहीं आंखों के बेस के बाद लगाने का फैशन है बिल्कुल और मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम लेयर लगाएं जैसे लोग पहले प्राइमर और उसके ऊपर यू नो लोग कहते हैं मेकअप इतना पता ना चले बट उसके लिए आपको लेयर्स भी कम करनी पड़ेंगी यू हैव टू मेक योर मेकअप लेस लेयर वाला जो है पहले मॉइस्चराइजर देन प्राइमर देन उसका एक फेस हाइड्रेटिंग स्प्रे अब आप देखिए कि लाइक ये जो है वो आप स्पन से जज्ब कर रहे हैं पूरा डैप कर रहे हैं जैसे एक आम औरत है उसके चेहरे पर उसको कहाँ कहाँ कवरेज चाहिए ज्यादा यूजुअली दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन अच्छा हमेशा डिस्कलरेशन रहती है अपर लिप्स लोअर लिप्स ये वाला पोर्शन आप कह रहे हैं फोरहेड के आईब्रो अप फॉरहेड का जो आईब्रो वाला एरिया है ना यहाँ पे हमेशा डिस्कलरेशन होगी थोड़ा डार्क होगा तो इसलिए और आंखों के नीचे कान हमेशा याद रखें कि कान के साथ कवरेज करें ऐसा ना हो कि फेस गोरा हो जाए कान डिफरेंट रह जाए या ज़ाहिर बेस से तो थोड़ा सा तो स्किन डिफरेंट होती है ना तो वो कानों का मैच करना बहुत ज़रूरी है उसके साथ नेक भी ना भूले आज मेरा दिल चाह रहा है मैं ना अपने मॉनिटर पे देखती रहूं अपना मुझे इतना अच्छा कलर लग रहा है ये कॉटन साटन कपड़ा है आई लव दिस कलर ये मेरी कलेक्शन का वन ऑफ माय फेवरेट कलर एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर योर कलेक्शन थैंक यू सर ये मेरी कलेक्शन का दूसरा पीस है आई लव दिस कलर हां ये जैसे आप हमारे यहाँ मिडनाइट ब्लू जो है वो बहुत डार्क कलर को कहते हैं लेकिन अगर आप जैसे रिसर्च करें और पढ़ाई करें तो ये मिडनाइट ब्लू कलर से आता है रॉयल ब्लू और मिडनाइट ब्लू के कलर का पूरी कंसीलर की तो कंसीलर में आई डू हैव टार्ट आई डू हैव ये है मेकअप रेवोल्यूशन का ठीक है ये ड्रग स्टोर मेकअप है इसकी प्राइस है 1700-1800 ये कंसीलर और ये दूसरा आपने क्या बताया मेकअप रेवोल्यूशन मेकअप रेवोल्यूशन अच्छा ये किधर से मिलता है इसका आईशैडो किट भी ये दुबई से भाई से मिलेगा ये यहां से मिल जाता है यहां से मिल जाता है अच्छा इसकी आईशैडो मेकअप रेवोल्यूशन की आईशैडो किट की प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं अच्छी हैं ड्रग स्टोर काइंड ऑफ है कि लाइक 1600-1500 में मिल जाएगा लेकिन पाकिस्तान में नहीं मिलेगा पाकिस्तान में मिलता है मिलता है हां नाहिद पे जहां इनका काउंटर लगा हुआ है पूरा अच्छा अब है कंसीलर मैं ये यूज करता हूं मैंने टार्ट बहुत यूज किया बट मैंने इसके बहुत अच्छे रिव्यू मैं भी खुद जो है वो टार्ट यूज करती हूं या मैंने देखा उसे हां ओके अब ये भी देखिए कंसीलर लगाना कैसे चाहिए एक्चुअली ये भी बड़ा जरूरी है देखना और कहां-कहां कंसीलर लगाया जा रहा है ये भी देखें हां ओके बेस लगी है अभी और हम ब्रेक पे चले गए कंसीलर के बाद आप कॉम्पैक्ट कौन सा लगाने वाले हैं कॉम्पैक्ट में मेरे पास मैक है मैं मैक से इसको फिनिश करूंगा या फिर मेरे पास नार्स के और स्मैश बॉक्स के लूज पाउडर्स हैं तो ज्यादा बेहतर आपको क्या लगता है ना मुझे मैं सबसे कंफर्टेबल हूं आई कैन हैंडल मैं इसको यार्डले से भी कर लूंगा मैं टेलकम पाउडर से भी कर लूंगा नहीं नहीं वो तो सही लेकिन अभी हम महंगा मेकअप दिखा रहे हैं स्मैश बॉक्स का लूज पाउडर और या नार्स का कैप दो हाँ क्योंकि अभी जैसे सर्दियां हैं तो आप लूज पाउडर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि वो पतला होता है बिकॉज़ आई डोंट वांट सो मच ये देखो थ्री पाउडर्स हैं वन इज स्मैश बॉक्स वन इज मैक वन इज नार्स ठीक है सो इन तीनों में से जो भी स्किन हमारी एजेंट स्किन के लिए सही है ठीक है स्मैश बॉक्स मैक और नार्स ये तीनों इन्होंने कहा कि हमारी एशियन स्किन के लिए अच्छे हैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और फिर हम आपको मजीद महंगे मेकअप से मेकअप करना सिखाएंगे साथ फिर हम शुरू कर देंगे सस्ते मेकअप से भी मेकअप आपको सिखाना आई डोंट नो कि अगले सेगमेंट तक हम कर पाएंगे दूसरा भी शुरू के लिए बहरहाल देखते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं दोबारा मेरे कलेक्शन का दूसरा पीस अवेलेबल है कॉल करें @nyc.pk पर SMS करें या मेरे फेसबुक पेज NYC पर SMS करें आपकी मर्जी है और ये भी बता दूं एक्स्ट्रा स्मॉल स्मॉल मीडियम लार्ज ये सब साइजेस हमारे पास अवेलेबल हैं तो मेरी प्यारे मैके वालियों जो ज़रा यूं भी हैं वो भी परेशान ना आपके लिए भी है कुछ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान आज हमारे पास हैं आकिफ इलियास आपको मेकअप क्लास दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि महंगा मेकअप और सस्ता मेकअप दोनों से मेकअप करके आपको कंपैरिजन करा रहे हैं कि देखिए महंगे और सस्ते से कुछ नहीं होता आपको मेकअप करना आना चाहिए आपका हाथ में आर्ट और क्रिएटिविटी होनी चाहिए तो आप हर किस्म के मेकअप से दुल्हन को खूबसूरत बना सकते हैं इस वक्त हम महंगा मेकअप कर रहे हैं बेस हमारी हो चुकी है बेस हो चुका है मैंने ब्रेक पे लूज पाउडर कर दिया था बट हमने बता भी दिया था कि
क्या ये अंडर आए बिकॉज मैं आई मेकअप शुरू करने लगा हूँ. अच्छा तो ये अंडर आए आप कौन सा लूज पाउडर लगा रहे हैं? नार्स का. नार्स का ठीक है ठीक है. अब आई मेकअप होगा और वो ये महंगा मेकअप दिखा रहे हैं, फिर इसके बाद हम आपको सस्ते मेकअप से रीजनेबल मेकअप से आपको दिखाएंगे करके मेकअप, और आप देखेंगे कि कोई फर्क नहीं होगा दोनों में. ये ब्राइडल के लिए बहुत अच्छा है. मैन इट्स कॉस्ट लाइक 7-8 thousand. अच्छा अब इसके बाद जो हम यूज करेंगे उसकी कॉस्ट भी बताऊंगा. हाँ अभी सरप्राइज रखो ना. लो मैं पकड़ लूंगा तुम बोलो तो. नहीं नहीं पकड़ो. मैंने ब्रश को थोड़ा सा वेट किया है. अच्छा थोड़ा वेट किया ताकि थोड़ा सा. हाँ ताकि मुझे होता है पिगमेंट्स गिरे ना नीचे. अच्छा गोल्डन गोल्डन कलर यूज किया ये वाला. यस ऐसा जो टिपिकल सा मेकअप सबको पसंद है कि ब्राइड का ऐसा होना चाहिए, और जो एक सिग्नेचर ब्राइड है आकिफ की वो आकिफ यहाँ बना रहे हैं. फिर आपको वलीमे की ब्राइड पे वो सस्ते मेकअप से मेकअप करके दिखाएंगे, सारी ब्रांड्स भी बताएंगे. तो ये आपके लिए बड़ा मज़े का सरप्राइज और बहुत अच्छा आज के प्रोग्राम का कॉन्टेंट. मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ. कर रहे हो तो जैसे अपनी ब्राइड्स को तैयार किया तो तुम जैसे पोर्ट्रेट्स करता हूं. पोर्ट्रेट्स करते हो? आई डू फोटोग्राफी मेकअप स्टाइलिंग एवरीथिंग. हां कुछ छोड़ा नहीं. लुक अप. ये थोड़ा रस्ट अच्छा, कलर है. ये रस्ट कलर जो है ये वाला ये आप, अंडर आई हाँ. ये दिखाएं जरा ये वाला कलर एरिया पे. ये रस्ट कलर है. दिस एंड दिस दोनों को मिक्स करके हां अप्लाई. आंखों के नीचे बड़ी सॉफ्टनेस फिर आ गई है. ये देखें हां एक बड़ा प्यारा लुक आ रहा है. अब ब्लैक इसी में है. यस चल बस मुझे कॉर्नर थोड़े से इसके एनहांस करने तो आई विल गो ब्राउन कलर. गोल्डन लगाने से ना आई फ्लैट हो गई थी. हाँ तो इसलिए वो ब्राउन से आप डेप्थ दे रहे हो. इसी से मैं एक आईलाइनर की जो विंग होती है ना हाँ. वो ड्रॉ करके सी इट्स अ वेरी बिग ब्रश बट सी द वे आई एम अप्लाइंग इसको बहुत आसानी से आप बड़े ब्रश से भी इससे वो ही ना कि अब लोग इसके लिए एक अलग ब्रश लेते हैं ब्लेंड करना है एक्चुअली तुम जो ब्लैक कलर है वो आईलाइनर की जगह तुम ब्लेंड कर रहे हो बिल्कुल आई मोर इंटेंस थोड़ी सी इंटेंस लगती है थोड़ी
सॉफ्ट हैं कि वो जो होता है ना कुछ मेकअप आर्टिस्ट मेकअप कर रहे होते छिल रही होती हैं आंखें. बहुत अच्छे ब्रशेस. अब लैशेस. अब लैशेस का टाइम आ गया यानी कि वो एक हल्का सा मुझे ग्लिटर देना है बट बहुत लाइट. तो तुम लैशेस के बाद दोगी या लैशेस से पहले? लैशेस से पहले क्योंकि फिर वो लैशेस के ऊपर भी गिर सकता है ना ग्लिटर. उसमें छोटे वाले ग्लिटर थे ना. ये प्रेस ग्लिटर है ठीक है और ये इट्स नॉट ग्लिटर. हाँ. ये सिर्फ आंख को थोड़ा सा सी एक जो होता है ना टिपिकल ग्लिटर. हाँ. ये देख रही हो. हाँ. ये सिर्फ उसको सॉफ्ट कर रहा है मेकअप को. हाँ. जो एक टिपिकल ग्लिटर लुक है वो नहीं होनी चाहिए. यस बट ओके इट्स टाइम. अब हम लैशेस लगा. अच्छा हाइलाइटर भी पहले. हाइलाइटर और हाइलाइटर किसका? रेवोल्यूशन का ही. रेवोल्यूशन का ही. ये भी ना हो तो एक नीट लुक आती है और आपका शेप डिफाइन हो जाता है प्रॉपर. अदरवाइज जरूरी नहीं भी है कि आप जरूरी नहीं कि पूरे स्टेप्स करके आप मेकअप करो. अच्छा आकिफ तुमने आईब्रो पे क्या लगाया था? आईब्रो पे मैंने मॉर्फी के ही ब्राउन शेड को. अच्छा. ये मेरा एक ब्रश है इससे. हाँ. और पॉली ब्रश से ब्रश करके दिखाओगे ब्रशेस? हाँ. दिस कलर ये मैं आईब्रोस पे यूज करता हूँ. ये वाला या ये डार्क कलर जो है अलग से पैलेट लो छोटा सा फिर वो यू नो हम तुम पता चीजें पे घूमती है. आईशैडो से ही निकाल के ये कलर यूज किया आईब्रो पर. आईब्रो पर पेंसिल अब मैंने देखा अक्सर मेकअप आर्टिस्ट पेंसिल नहीं यूज करते वो ज्यादातर शेड यूज करते हैं. सॉफ्टर इफेक्ट आता है. तुमने अभी क्या लगाया है? एक छोटा सा तुमने वो कुछ ये वाला ये जो तुमने एक वो लगाया ना शिमर था यहाँ पे वो क्या लगाया? ये मैंने लगाया है इस ग्लिटर को ही विद दिस पेन प्रेस ग्लिटर है ये ग्लेक्सी का. अच्छा. एंड इट्स कॉस्ट 4-500 रुपीस. अच्छा. ये वाला तुमने आंख के कॉर्नर पे लगाया है. इससे एक ब्राइडल और बहुत ब्लिंगी इफेक्ट आ गया मेकअप में और सॉफ्टनेस भी आ गई साथ. ठीक है. अच्छा तो तुम अब लैशेस लगा रहे हो तो तुम अच्छा ब्लाइनर वाइनर नहीं तुमने लगाना? डस्ट ऑफ पाउडर एक्सेस था वो आई एम गोना डस्ट ऑफ क्योंकि तुमने जो ब्लेंडिंग करनी थी अब कर ली हो गई है मेरी. ठीक डन विद द ब्लेंड. अब लैश. हां लैशेस में लगा रहा हूं कलर एक्सप्रेस प्रोफेशनल एक्सपेंसिव है. अच्छा. और सस्ती वाली भी दिखाता हूं. सस्ती वाली भी है. मैं भी दिखाती हूं आपको प्रॉपर्ली है ताकि आपको पता चले कि कौन सी. हां ये जब तक तुम निकाल लो ना गम निकाल दूं मैं तुम्हें सीजर कलर एक्सप्रेस प्रोफेशनल. लोग अच्छा हुदा की लैशेस भी लगा रहे हैं तो तुम क्या सजेस्ट करोगी? मुझे जो जो अच्छी लगी है हुदा की मैं लगा चुका बिकॉज़ हुदा ने अराइव्ड ही लैशेस से किया था. वैसे अराइव्ड तो उसने स्टार्ट में लैशेस स्टार्ट की थी और वो है बात 2015 की. अच्छा. सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 4-5 इयर्स बल्कि 15-14 की. तो वो मैं यूज कर चुका. अब होता है कि नहीं यार कुछ नई चीज हो. ये नहीं कि वो अच्छी नहीं है और जो हम सारी जिंदगी यूज करते हैं आस्मेटिक की. अच्छा. वो बहुत अच्छी है. अगर आप उनको लगता है लोगों को वो बहुत लाइट है तो उनको डबल लगा लें. हाँ. एक के ऊपर एक लगा लें. अच्छा ऐसा भी होता है? Yes. मीरा जी अक्सर कहती है मुझे डबल लैशेस लगानी है डबल लगाओ. मुझे तो पता ही नहीं था कि डबल डबल लैशेस भी लगती है. इंटेंस इतनी अच्छी लुक आ जाती है जो डबल होती है. Yes. अच्छा ये लगाने के बाद उसके ऊपर एक और लगा दो तो ये ऐसा भी होता है कभी दिखाना थोड़ी, यार, हाँ, मैं डबल लैश दिखाना कैसे होती है वो कैसे लगती है? मतलब मैंने पहली दफा सुना मीरा जी के मुंह से कि डबल लैश लगा दो मुझे. लक्स स्टाइल अवार्ड्स में के डिस्कशन हो रही थी बैक स्टेज तो वो मुझे पहली दफा सुनने में आया कि ओ अच्छा ऐसा भी होता है. यूज करते हो हुदा की गम अच्छी है? बहुत. हाँ. हुदा की डू की. हाँ. डू की सबसे अच्छी है वर्ल्ड वाइड डू. हाँ डू का बड़ा नाम सुना है. डू की मैक के उस पे मिलती है अगर मैं. हाँ. खरीदने जाऊँ तो मैक के पास मिल रही होती है डू DUO डू और वो व्हाइट कलर में होती है. व्हाइट ब्लैक दोनों और ग्रे.
तीन कलर. अच्छा, इवन वो लाहौर में भी अवेलेबल है. हमें कौन सी ज्यादा, आप क्या प्रेफर करते हो, ब्लैक? जो ब्लैक ब्लैक इस्तेमाल करनी चाहिए, व्हाइट या अगर बिल्कुल आप नए हो तो आप ट्रांसपेरेंट यूज करो. अच्छा, क्योंकि वो कलर नहीं कोई भी छोड़ती. हाँ, और अगर आप प्रोफेशनल हो तो ब्लैक, बिकॉज ब्लैक कभी कभी होते लग जाती है कहीं, तो लाइनर तो मुश्किल, उनसे संभालना मुश्किल हो जाता है. लैश इज डन. अच्छा, क्लोज. हाँ, अब लिपस्टिक रह गई है, मस्कारा, मस्कारा, लिपस्टिक. और हम दुल्हन को जो है, हमने कर्लर चाहिए मुझे, मस्कारा, हमने लाइनर नहीं दिया हुआ दुल्हन को, हमने हल्का हल्का ब्लेंड. अच्छा, लाइनर भी लगाओगे? ठीक है. अच्छा, ये जेल लॉरियल में और मेबिलिन में मसला क्या है, तो वो बहुत अच्छे, बट वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं. हम लोग खोल के रखते हैं, थोड़ी देर में ही वो ड्राई हो जाते हैं, इंस्टेंट. इवन बॉबी ब्राउन, हर जेल लाइनर. जेल लाइनर से फायदा क्या, क्या फर्क है जेल लाइनर और दूसरा वाला लाइनर देना? उसके लिए यू नो यू नीड वाटर और इन दोनों में केक लाइनर, केक लाइनर और जेल लाइनर में. लाइनर लाइनर ही रहेगा, बट यू नो ये इजीली लगता है. ये थोड़ा जेल होता है ना, तो इससे हाथ अगर मतलब एक फ्लुएंसी आ जाती है हाथ में, क्योंकि थोड़ा सा वैक्स बेस्ड होता है, वैक्स बेस्ड होता है. और वो पानी वाला जो होता है, वो जरा सा भी हाथ हिला तो एक डॉट आंख का ऊपर हो जाता है. और कभी कभार पानी ज्यादा मिल जाए तो वो फिर वो भी हो सकता है, ड्रिप भी कर सकता है. और दूसरी बात ये कि वो लाइनर जब ब्राइड्स को लगाए ना, तो वो रोती है, तो वो वाटर प्रूफ नहीं है. ओ, प्रॉब्लम उसकी जेल लाइनर ये गड़बड़ नहीं, जेल लाइनर ये गड़बड़ नहीं कर रहा, क्योंकि वो वी नीड वाटर प्रूफ. ओके, तो इसलिए तुम ब्राइड्स पे ज्यादा जेल लाइनर प्रेफर करते हो? प्रेफर, ताकि वो रोएं, कुछ भी हो, सारा मेकअप सही रहता है. सम टाइम मुझे तो कभी किसी ने नहीं बोला, बट मैंने खुद देखा, व्हेनेवर आई अप्लाइड जेल लाइनर और वो आप रोगे तो वो उसकी एक टेक्निक है, उसको आप ब्लैक आई शेडो के साथ. और ये तो कंफर्म है कि ब्राइड आप तैयार करें तो ऐसा तो होगा कि रोएंगे, कि वो तो रोती रोती है ना. ये तो मतलब हमारे इसका हिस्सा है, कल्चर का, ट्रेडिशन का, कि रोना तो है. बहुत कम होती है, 100 में या 2-3 हम तो नहीं रोएंगे, आ ही जाता है आंसू. कितनी अच्छी वो उससे नीटनेस से लग गया लाइनर. अब लैशेस लगाने के बाद भी लैशेस भी छुप गई हैं. Maybelline. अच्छा मस्कारा होता है? बेस्ट. अच्छा, देखिए जो सस्ता वाला मेकअप है उसमें क्या क्या, कितने कितने का होगा? क्योंकि अगर इसकी भी प्राइसेस याद है तुम्हें, जैसे हुदा की बेस और ये कुछ है जहन में? हुदा का फाउंडेशन है 7000 का, नाउ मैक ऑलमोस्ट 6500, फेंटी ब्यूटी है 10000, नार्स है 7000. सो ये थाउजेंड्स, यू नो, ये वो 100 रुपए, 100 में है या हजारों में? वो फाउंडेशन है 500 रुपए का, जो लोकल, जो लोकल है. और उसका रिजल्ट समटाइम हुदा से भी बहुत अच्छा है. अच्छा, यू नो, ये आपके लिए सरप्राइज है. I'm not be biased, नहीं होना मुझे, जो सच है वो है. लुक अप, आप इंतजार फरमाइए कि आप जो वो मेकअप जो आपकी जेब पे भारी ना हो, उससे भी आप इसी तरह का खूबसूरत मेकअप कर सकते हैं. ये आपको हम लाइव करके दिखाने वाले हैं. अब आ गई लिपस्टिक की बारी. लिपस्टिक की पेंसिल कौन सी यूज कर रहे हो? पेंसिल बिक्यूट. पहली दफा ऐसा हो रहा है, मैं सारी ब्रांड्स भी पूछ रही हूँ. बिक्यूट, अब बिक्यूट यहाँ पाकिस्तान में मिलती है या बाहर? बिक्यूट यहाँ आराम से मिल जाती है. जिसका लाइनर था ना? हाँ हाँ हाँ. अच्छा, जिसका लाइनर था उसी का है. ये है बाहर की ब्रांड. यस, बिक्यूट. कोई भी मेकअप यहाँ बनता ही नहीं है. आई मीन जो मेडोरा है वो भी मेडोरा शेडोरा बन जाते हैं. लिप के ऊपर लगा रहे हो पेंसिल, है ना? यस, बिकॉज़ शी हैज ऑलरेडी प्रोमिनेंट एंड अच्छे लिप्स हैं. आई डोंट नीड फुलर लिप्स हैं. हां, फिल लगाया आकिफ ने. लेकिन अगर जिस किसी, और ये मैं कर रहा हूं फोटो फिक्स है, ये है डीएम का, डीएम का. हां, डीएम भी बड़ा. And इसका रेड बेस्ट है.
और कुछ और नहीं लगाया। क्योंकि ड्राई हो जाता है अच्छा। और ये वो भी है, वाटर प्रूफ भी है, ड्राई भी है, बट ये क्रीज नहीं लाता, लिप्स को मॉइस्ट रखता है। डीएम या ये तकरीबन कितने का होता होगा? ये है 1700 1700 रुपए। और थोड़ा सा छोटा है, छोटा साइज है, बहुत कम क्वांटिटी है, इट्स लाइक 15 ml आई थिंक। इन कलर बहुत प्यारा है, और आपको अब एक ही कोट लगाना पड़ रहा है, इतना वो पिगमेंट अच्छी है, कवरेज अच्छी है, जरा सा भी लग रहा है, ज्यादा नहीं लग रहा है ना? तो तुम्हारा तो जल्दी खत्म हो जाता होगा? नहीं बहुत, मेरे पास के एक शेड के मैं चार चार ले लेता हूँ, तीन तीन, कोई चीज अच्छी लगती है तो, क्योंकि शॉर्ट बहुत जल्दी हो जाती है। पाकिस्तान में चीजें कोई अच्छी एक ब्रांड आया है वो फटाफट खत्म हो जाता है, फिर डिसकंटिन्यू हो जाते हैं। कभी कुछ ब्रांड जो है वो अपने नई रेंज लाते हैं तो पुरानी को डिसकंटिन्यू कर देते हैं। अच्छा, अब हम ब्रेक पे जा रहे हैं आके, फिर हम वापस आएंगे तो हमने सस्ते मेकअप की ब्राइड यहाँ करनी है। हम सारा अपना मेकअप यहाँ सेट करके रखेंगे, ये महंगा मेकअप पैक कर दो बेटा, और अब हम सस्ता मेकअप यहाँ रखेंगे। ये हमारी ब्राइड तैयार हो गई है, बस अब इसको हाइलाइटर और थोड़ा सा मुझे ब्लश लगा दो जल्दी से, ब्लश मुझे देना है मॉर्फी। अच्छा, ब्लश ऑन मॉर्फी का दे रहे हो, पिंक पिंक कलर का लुक। ब्लश ऑन का जरा मैं क्लोज, हाँ लगाओ आप, मैं इसको क्लोज दिखा दूं ब्लश ऑन का। ओ, ब्लश ऑन से कैसी जान आ जाती है। ओवर कंटूरिंग नहीं किए, कंटूर तुमने किससे किया है? मैंने कंटूर किया है लॉरियल बैक टू ब्रॉन्ज, इट्स अ सॉफ्टर कलर ऑफ कंटूरिंग। अच्छा, एक मिनट, वेरी सॉफ्ट, लॉरियल बैक टू ब्रॉन्ज है ना, बैक टू ब्रॉन्ज, ये लॉरियल का है, ये इससे कंटूर हुई है। मैंने सारी चीजें आपको बता दी है, नोज कंटूर कर दो तुम, थोड़ी सी मुझे लग रहा है। तुमने कौन सा लगाया है, हाइलाइटर लगाया? हाइलाइटर मैंने हुदा का लगाया है, वो हुदा ये गलती से वो फिनिश्ड वाला पैलेट आ गया, बट आई ट्राई टू मैनेज, अभी दोबारा मैं लगाता हूं। मैं हाथ पे लगा के कौन सा वाला लगाया है देखो, मैंने ये वाला, ये वाला, ये ब्रश, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये मैं हुदा देखती रहती हूँ ना उसके व्लॉग्स, तो वो ऐसे ही दिखाती हूँ यूं करके, यूं स्वच्छ करना जरूरी है ऑब्वियसली, विदाउट स्वचिंग यू कांट। जी, अब हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद सस्ता मेकअप और महंगा मेकअप कितना एक दूसरे से डिफरेंट लगेगा ये आप देखेंगे ऑन स्क्रीन लाइव। गुड मॉर्निंग NYC, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आप देख रहे हैं आज का शो आकिफ इलियास के साथ और NYC के साथ 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 मैं अपना ही बोल दूं। तो आज आकिफ हमें दिखा रहे हैं महंगे मेकअप की ब्राइड यहाँ तैयार है, आपको सारी ब्रांड्स भी बताएं जो जो इनके ऊपर यूज की गई हैं, और अब हम यहाँ वलीमा मेकअप करेंगे ऐसे मेकअप से जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। जी आकिफ, सही है, आते हैं हम उस मेकअप से पहले, ये आके स्पेशल जाके शॉपिंग करके आया है और आपको ये सब बताएगा, ये ब्रांड, ये सब पाकिस्तान से अवेलेबल है, ये वाली ब्रांड सारी आराम। अच्छा, ब्रश भी तुम सस्ते वाले यूज करोगे? नहीं, ब्रश दूसरे के महंगे, ये रेवोल्यूशन के। अच्छा अच्छा, ब्रश हमारे पुराने वाले, नया ही पैकेट है। अब ये क्या है, ये क्या लगा रहे हो? पहले प्राइमर, सबसे पहले प्राइमर, और ये प्राइमर है बिक्सी ब्यूटी का, और ये है 400 का। अच्छा, BAX Bax Beauty, मैं जरा खुद भी तो पढ़ लूँ ना, मैं भी देख रही हूँ प्राइमर, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं आपने जिनके नाम नहीं सुने होते। अब ये वाला प्राइमर, ये कितने का होगा आके? ये 400 400 रुपए का प्राइमर है ये, ठीक है, 400 रुपए का प्राइमर ये यूज कर रहा है आके प्राइमर बेस से पहले, ठीक है, ओके। और इसके अंदर तुम्हें पता है इन्होंने मेकअप फॉरएवर की तरह तीन चार कलर निकाले, ग्रीन स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। और आके फिर पाकिस्तान से मिल जाता है? हाँ, ये आराम से तारिक रोड पे दुपट्टा, वो कौन सी तारिक सेंटर वाली गली में हाजराज कॉस्मेटिक है। अच्छा, हाजराज कॉस्मेटिक पे आपको सारी रेंज मिलेगी। अच्छा अच्छा अच्छा, और भी सारी सब जगह मिल जाएगा ये वाला ब्रांड, तारिक रोड इस जगह, इवन क्लिफ्टन वगैरह में भी। अच्छा अच्छा अच्छा, सब मिल जाएगा। Bax Beauty, BAXBEAUTY, इसलिए स्पेल कर रही हूँ क्योंकि अक्सर प्रोनाउंसिएशन कुछ और होती है और हमें तो नहीं पता होता कि क्या है इसकी प्रोनाउंसिएशन, तो ताकि उससे अच्छा आंखों के ऊपर भी लगता है प्राइमर, प्राइमर ताकि ये एरिया तो सबसे ज्यादा ड्राई होता है। सही कह रहे हो, प्राइमर के बाद ये है
मिस रोज का फाउंडेशन, मिस रोज 400 रुपीज। अच्छा, मिस रोज का फाउंडेशन मैंने पहली दफा सुना है। इसकी नहीं, इसके आई शेडो पैलेट आते थे, हम लोगों ने बहुत यूज किए सब ने। ऐसे बैक, अब इसकी जरा चेक करो क्वालिटी एंड थिकनेस एंड कवरेज। ये तो वही लाइक हुदा टाइप है, सेम हुदा। एंड दैट्स इन 6000 एंड दिस इज इन 400 रुपीज। 400 रुपए की बेस। इसका कलर है ये बेज 3 और ये है फेयर। इसके 5 to 4 कलर्स आते हैं एंड ये 12 आवर्स कहीं नहीं जाती ना, ऑक्सीडाइज होती है। इट्स लाइक मैजिक। यस, और ये भी पाकिस्तान में मिल जाएगी आराम से। आराम से ये सब हाजराज कॉस्मेटिक पे मिलेगा आराम से। 400 रुपए की बेस। अच्छा, सबसे कंसीलिंग और कैमोफ्लाज के लिए आई प्रेफर दिस स्टिक्स, क्योंकि हम मैक का भी क्रीम फॉर्म यूज करते हैं, निक्स का भी, हर किसी का, एनास्थाजिया का भी, बट वो बहुत क्रीमी है। जितना क्रीमी होगा उतना क्रीज लेकर आएगा, ये क्रीमी नहीं है। इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, इसको हल्का सा भी लगाओ और इस कॉम्प्लेक्शन को मुझे तो ये क्राइलन की स्टिक कितने की होती है? ये हो गई अब 3000 की। अच्छा, ये थोड़ी ये होती महंगी थी है। जब हमने स्टार्ट किया था 1100 की। हाँ, ये इससे कैमोफ्लेज कर रहे हो? बिकॉज़ तुम देखो इसकी कोई, अगर आप मैक का भी मेरे पास है कलर करेक्टर सबका, बट वो बहुत क्रीमी है। अच्छा, फॉर एशियन टोन्स, फॉर आई थिंक, तो तुमने जो अच्छा लिक्विड बेस है वो अभी नहीं लगाई है तुमने? नहीं, अभी लिक्विड, अभी तुम ये कंसील कर रहे हो उसके दाने वाने सारे। ये है सी शेल का, ये है 800 का। इसकी क्वालिटी ये भी बेस है, ये भी लोकल बेस है सी शेल का। ये थाई मेड बेस है, ये है 1000 रुपीज का। दिखाओगे अब इनकी? सी, ये एक मिनट दिखाओ अपने हाथ पे, इसकी कंसिस्टेंसी देखें। और इसका नाम क्या, ये थाई लाइन का? ये है इसका नाम एलिस एकेडमी। एलिस एकेडमी है ये, थाईलैंड का है, ये पाकिस्तान में मिल जाता है? मिल जाता है आराम से हाजराज का। और ये सिशुल है, ये वाले ब्रांड्स के नाम हमने सुने नहीं है, लेकिन ये क्योंकि करता रहता है मेकअप, इतने मेकअप, और क्योंकि सीखने बहुत आते हैं लोग, उस बिगनर लर्नर्स के लिए ये बहुत, बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी है। हां, ओहो, क्या कवरेज है भाई, दोनों मिलाकर तुम लगा रहे हो सिशुल और एलिस? इसका टोन बनाना पड़ रहा है। क्या है एलिस, दिखाना जरा एलिस। अच्छा, अब जैसे बजट नहीं है लोगों के पास, तो सीशल खरीदें कि एलिस एकेडमी खरीदें? क्या करें? सीशल, सीशल खरीद लें, ठीक है, क्योंकि सीशल में बहुत सारी और चीजें। इन्होंने सिर्फ बताई कितने की है, ये 1000 की है, ये आई थिंक 1100 की है। नहीं नहीं, सीशल 1000 की है। 1000 की है। अच्छा, और ये 1100 की? हाँ, ये है एलिस एकेडमी की। एलिस एकेडमी, अच्छा, एलिस एकेडमी, वो सी को मैं ई था लिखा हुआ, मुझे सी नजर आ रहा था, एलिस एकेडमी, ठीक है। तो आप कहाँ 7 और 6, 8 हज़ार की बेस और कहाँ 1000 रुपए की बेस, तो आप देखिए कितना ये वाली है। ये कौन सी, वही वाली जो तुमने बताई थी, मिस रोज? ये मैं देखो, मिस रोज तुम दानों पे लगा रही हो? लिक्विड कवरेज, ये देखिए एक तरफ लगा रहा हूँ। हाँ, बेस हो रही है, आपको दिखा दिया गया है कि कौन सी बेस इस्तेमाल की जा रही है और कितने बजट में है। एक 400 वाली बेस है, एक 1000 वाली बेस है, 1100 वाली बेस है। आप कोई भी एक बेस खरीद सकते हैं जो आपकी जेब पे, आप जाके चेक करें आपकी स्किन पे कौन सी सूट करे, और आप अपने जेब के, अपने बजट में रहते हुए अपना मेकअप कर सकते हैं। मैं आपको कुछ गिफ्ट करना चाहती हूँ,
और वो एक एक करके दूंगी भाई. हाँ, अडोर तू है हसीन. ये तो मेरी रेगुलर. तो ये मैंने कहा चलो आपको कुछ दिया जाए. अडोर तू है हसीन. हर औरत अपने आप को जब तक खुद हसीन नहीं समझती कोई और नहीं समझ सकता. तो पहले आपको खुद को अपने आप को हसीन समझना है और हसीन समझने के लिए हसीन बनना भी पड़ेगा. सही मेकअप, सही कपड़ों का इस्तेमाल, है ना, सही खाने की चीज जी. इसने हाथ उठिए थे आगे. ये जी जी, हम आपको आज अपने शो में दिखा रहे हैं दो ब्राइडल मेकअप. तीसरा ब्राइडल मेकअप शारिक कर रहे हैं. इसके है कंसीलर. हाँ, हाँ, ये है 400 के. अच्छा, 300 के, सॉरी, ये 300 का, ये 300 का, और ये इनका 400. अच्छा, ये है मिस रोज का. Yes. 400 रुपए का कंसीलर है. ठीक है, इसको फिर आप ये है बेनिफिट के. फिर एक और है, ये 300 रुपए का, ये भी मिस रोज का ही है. इससे इजीली कंपेयर करें. तीन मिस रोज के हैं ये. तीन मिस रोज है, इसके 7 कलर्स हैं एक्चुअली. अच्छा, so ये अलग पैकिंग में, तो ये थोड़ा महंगा है. ये नई पैकेजिंग है. ये 400 है, ये 300. ये 300 है. अब इसका रिजल्ट देखें. कौन सा वाला लगा रहे हैं आप? ये वाला. रुक, ये लो बेटा. हां, ओह माय गॉड, आज का बेसिकली प्रोग्राम का कंटेंट यही है. मेकअप आप सीख रहे हैं लेकिन आप दोनों तरीके से, मगर यू नो बजट में रह के भी हर चीज हो सकती है. हम आपको ये दिखा रहे हैं कि ये देखिए, ये बेस, और आपने पहली वाली भी बेस देखी थी. ये जेब में रहकर हो सकता है. अब आप तो नहीं इतना, फिर अगर हम मतलब जो पिछली वाली ब्राइड है 400 एंड 300 इज लाइक फ्री. यस, अगर मैं अभी कैलकुलेट भी कर रही हूँ कि चले 400 की बेस, 400 का प्राइमर, 800, 400 का कंसीलर, ये हो गया 1200 में आपकी बेस हो गई. अगर आप महंगे मेकअप में जाते हैं तो तकरीबन 7000 की बेस हुई. 12000 को तो आप कहाँ. सही है, 7000 की बेस हुई. कंसीलर कितने का था? वो टार्ट का कितने का पड़ता है? 7000 का. वो भी 10 था, अब पता नहीं 7 था, पता नहीं कितना है. मतलब डॉलर बढ़ रहा है तो तकरीबन आप 8000 रख ले, 7 और 8 15000. तो ये हो गए आपके खाली कंसीलर और बेस के. प्राइमर आपका है 2-3000, कोई भी लेते हैं लाइक 15-16-17-18 रुपए तो आपके बेस के ही हो गए. मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ ना, फाउंडेशन इज कम्प्लीट. ओके, अब हम कॉम्पैक्ट. अब मैं यूज कर रहा हूँ बुटेन, बुटेनिस का. ये भी बहुत बुटेनिक्स, बुटेनिक्स. अच्छा. और ये है 400 रुपए का. 400 रुपए का ये भी हो गया. तो 1200 हुए थे. HD with SPF 35, टू वे केक. आप इसको वाटर, इसको पैनकेक भी यूज कर सकते हैं, पाउडर भी. सी, लुक एट द पैकेजिंग, एंड इट हैज स्पंज आल्सो. And 400 रुपीस में इट्स लाइक फ्री. ट्राई में देखता रहता हूँ लोगों के पास, यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स, व्लॉगर्स. लुक अप. अब इससे आई एम गोइंग टू लाइक वो लगाए खड़ी है बेस. कितने अभी मैंने कितने जमा किए थे? 15-18 हजार की बेस. कॉम्पैक्ट तो हमने जमा ही नहीं किया. मैकअप कॉम्पैक्ट होगा 4.5-6 हजार का हो गया. तो 18 और 6 यानी कि 24 हजार रुपए की बेस लगाए खड़ी है ये. और ये है कोई, ये 1200 बने थे, 1200 और फिर 400 एडिंग हो गए तो 1600 की ये बेस है. और 24 हजार की ये बेस. जस्ट इमेजिन डिफरेंस. अभी जब दोनों दुल्हने तैयार होंगी मैं आपको पूरा. अब बारी है हाइलाइटर की. तुम लिखती रहोगी निदा. अब बारी है हाइलाइटर की. एंड ये है सी शेल का ही. हाँ, 300 का हाइलाइटर सी शेल. अब इसका सिर्फ आप रिजल्ट देख लें. हाँ, और हुदा का भी देख लें. हाँ, और एनेस्थेसिया का भी देख लें, मैक का भी देख लें. हाँ, एसटी का भी देख लें. से भी ज्यादा ग्लो है. सी, इसको टच करते ही इट हैज ग्लो.
पिगमेंट बहुत अच्छी है, इट्स सो सॉफ्ट, इट्स लाइक वेलवेट। ये कितने का बताया था तुमने? 300 रुपए का। ओह माय गॉड, हाइलाइटर भी ऐड इन करें, 1600 में 300 ऐड इन किए तो 1900 तो ये हो गए। लिखते रहे भाई आप लोग साथ। और ये इस ये जो हुदा का है ये कितने की होती है तकरीबन? हुदा की किट इज 13,000। अल्लाह, वो 26,000 तक, 24,000 पहुंची थी, अब बहन 13,000 और मिला लो यहां तक 34, ये 2100 तक पहुंचा, 37,000 तक पहुंच चुका है भाई हाइलाइटर के बाद। और ये पहुंचा अभी 1800 1900 1900 1900 16 था ना, तो 300 ये 1900 और वो हो गए 37,000। ओह माय गॉड। हाँ, बार बार इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन फिर भी आप देखिए ना कि फर्क कितना है। और ये नहीं, इनके पास भी एक्सपायरी डेट है, इनके ऊपर भी पूरी डिटेलिंग है कि इन्होंने किस किस चीजों को ऐड करके, बिकॉज आई नो मेकअप वेरी मच के उन्होंने क्या क्या प्रोडक्ट यूज हुई है। अगेन कंटूरिंग उसके लिए तो मैं, जैसे सभी लोग क्रिस्टीन यूज करते हैं, ये भी बड़ी अफोर्डेबल, ये 500 का होगा शायद, नहीं कितने का ही पता नहीं, 700। ओए चलो कंटूर भी प्लस करो, अब 1900 और 700 2600 और उसका कंटूर था, ये कितने का है? ये है 1700। ये 17, चलो भाई 30, मेरा तो इम्तिहान हो रहा है मैथ्स का, 37,000 में 17, यही तो है तुम्हारा, दैट्स व्हाट वी वांट के सब 30 नहीं 700 100,000 नहीं। सही है, अब आईब्रो के लिए मुझे मॉर्फी का पैलेट यूज किया था, तो अब मैं पानी, मिस रोज का पैलेट है ये, अच्छा ये मिस रोज का, ये कितने का? विद ग्लिटर, ये 1000 का है, बट मुझे 800 का मिला है। अच्छा आपको डिस्काउंट मिला है, 800 का एक कलर नहीं आता है लिपस्टिक का, एंड इट हैज ऑल कलर, और ये हुदा के पिगमेंट्स और इसके पिगमेंट्स मैच करके देखना बहुत अच्छे। ओह माय गॉड, 800 रुपीज 2600 तक पहुंचे थे, ये हो गया 3400 इसको मिला, दिस इज कॉस्ट लाइक 7000, ये मॉर्फी का, ये 7000 रुपए का, और ये है 800 रुपए का है, और ये 7000 रुपए का है। अब इसी के पैलेट से, अब ऑब्वियसली मुझे यही यूज करना है, तो मैं इसी के पैलेट से आईब्रो बनाऊंगा। बिल्कुल, तो ये वो पहुंचा, थैंक यू, ये वाला मेकअप बहुत महंगी होता है, ये पहुंचा 45000 तक, 45700 तक, और ये पहुंचा है 3400 तक। जस्ट इमेजिन इतना डिफरेंस है, आगे आगे देखते रहिए। ये नहीं है कि निदा मैंने अभी करा और मैंने कहा जाओ जाओ जाओ, मैंने करने के बाद 24 घंटे यू नो आई डू माय सिस्टर्स मेकअप, कजन्स मेकअप, कि ये रहता कितनी देर है, क्रीज तो नहीं आ रही, ऑक्सीडाइज तो नहीं हो रहा, मेकअप करके भेजना नहीं है उसको, मेंटेन इतना फिक्स करके दो कि वो मेंटेन रहे एटलीस्ट जब तक फंक्शन है। एशियन फंक्शन यूजुअली 8 to 10 चलते हैं और क्या, तो उसमें हमें माइंड में ये रखना होता है कि यस 10 घंटे तो मेकअप, 12 घंटे जरूरत भी ना हो लुकअप। और जो बिगिनर्स हैं जिन्होंने अभी कुछ कमाना नहीं शुरू किया, बिल्कुल, और जो बेचारे सीखना चाहते हैं, और मैंने जो मेरे पास क्लासेस लेने आते हैं, मैंने उनको जो मार्क जैकब, एनास्टासिया बेवरली, शार्लेट एब्ली से लेके ये ब्रांड तक सब आपको सब यूज करना आना चाहिए। ये क्या चीज है जो तुम लगा रहे हो? ये भी एक ये हाइलाइटर पाउडर है जो मैं अंडर आई दे रहा हूँ, टू मेक हर अंडर आई लिटिल ब्राइटर, और ये है ब्यूटी रूल का, ये है 500 का। हाँ, ये ब्यूटी रूल का हाइलाइटर। अच्छा, ओह सॉरी, मैं भूल गया था, मैं तो वही हैरान हो रही हूँ, मैं भूल गया था, आई एम रियली सॉरी। हाँ, ये एनास्टासिया, ये मिस रोज का ब्लश एंड पैलेट है। ये से ब्लश लगाओ साहब, मुंशी साहब, ये 800 का, बट मुझे 600 का मिला है। ₹600 में सो मेनी कलर्स ऑफ ब्लश, ये हो गया हाइलाइटर हो गया। हाँ, और वो जो तुमने वहाँ ब्लश ऑन लगाया था मॉर्फी का, हाँ मॉर्फी का ब्लश ऑन था ना, ये वो था रेवोल्यूशन का था, मॉर्फी का था, वो है 4000 something। चलो भाई, वो जो 45,000 हो रहा था उसमें और लगाओ 4000। हाँ, 49,000 के हो गए हैं आपकी तरफ अभी तक पैसे। और क्योंकि देखिए पता, जब शादी हो रही होती है तो लड़की को माँ बाप भी मेकअप खरीद के दे रहे होते हैं, तो वो ताकि वो होता है, बहुत सारी यंग लड़कियाँ होती हैं उनके पास इतना मेकअप नहीं होता, तो शादी के वक्त
अल्लाह मजा आ गया मुझे तो ये देख के. वैसे मैं खुद हैरान, मेरे मुंह खुला का खुला रह गया कि आप मेकअप सीखना चाहें, मेकअप करना चाहें, तो उसके लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है. अब आ गया आई. हाँ आईशैडो पैलेट अगेन. हाँ इसी तुम्हारा थोड़ा सिल्वर है वलीमे टाइप में इसको लुक देना चाह रहा हूँ. और सारे पैलेट में कितने अच्छे अच्छे कलर्स हैं. सारे वो कलर है. अच्छा आकिफ ने जब तुमने मेकअप सीखना शुरू किया था उस वक्त जाहिर है खुद अपने पैरों पे खड़े हुए, तो तुमने इस्तेमाल किए थे कोई ऐसे ब्रांड्स जिससे थोड़ा हाथ साफ हुआ हो और हाँ, है ना हाँ, मुझे जो अच्छा लगता था वो मैं खरीद लेता था. हाँ, ये देखे बगैर कि इसके प्राइस क्या है. प्राइस टैग से तो कभी भी वो ना करो ना कि नहीं प्राइस ज्यादा है तो अच्छा होगा. अच्छा होगा वो तो उल्टा ही खराब होता है. हाँ, जितनी महंगी चीज होती है उतना ही उसके मुझे लगता है कि जितनी वाहवा की भी होती है ना वो रिजल्ट नहीं है. कलर है जरा ये दिखाइएगा. पिंक कलर यूज कर रहे हैं और कौन सा कलर यूज कर रहे हो तुम? मैंने ये किया और इससे मैंने अच्छा आंखों को ये और ये पिंक्स के शेड जो हैं वो यूज किए हैं और आंखों के नीचे अंडर आई लगता है. अंडर आई मुझे लगता है मैंने भी काजल लगाना छोड़ दिया और मुझे मैं अंडर आई शेड लगाती. काजल तो कभी नहीं लगाती तुम? हां मेरे पर सूट नहीं करता व्हाइट पेंसिल. नहीं कुछ भी नहीं लगाती मैं सिर्फ शेड देती हूं. हां क्योंकि शेडिंग से पता क्या होता है शेडिंग से ना आंख के करीब बेस जाता है ना तो आंख चाइनीज लगती है तो शेडिंग से आंख वापस अपने शेप में आ जाती है. सही कह रहे हो. अच्छा जी बाकी हम लाइनर वगैरह कौन सा यूज करें वो दिखा सकते हो ताकि तुम फिर कर दो. लाइनर भी मिस रोज का ही है. मिस रोज का कितने का है? और मिस रोज की लिपस्टिक्स चेक करो 150 रुपए में. 150 रुपए की मिस रोज की लिपस्टिक है. और ये क्या है? ये भी मिस रोज ये ग्लैमरस की लैशेज है सिर्फ 300. ये 300 की ग्लैमरस की लैशेज लगेंगे. सही है. अच्छा क्योंकि हम अभी ब्रेक पे जा रहे हैं. मिस रोज के लाइनर ये लाइनर्स हैं जेल लाइनर ब्लैक एंड ब्राउन. ये दोनों हैं 400 रुपए के. 400 रुपए के ब्लैक एंड ब्राउन दोनों विद ब्रशेस एंड या जेल लाइनर. एंड अभी मैं लगाऊंगा क्वालिटी. 150 रुपए की है लिखो हीरा. और आईलैश 300 रुपए की है और 200 रुपए का वो और इनका मस्कारा है 300 रुपए का. कितना? 300 रुपए का. 300 रुपए का इनके दो मस्कारे हैं. ये पैकेजिंग है एक ये पैकेजिंग है. तो भाई ये तो भाई अब मजा आ गया भाई मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है. मैं अब सब जमा पूंजी करके आपको बता रही हूँ. एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं. ब्रेक पे जाने से पहले बताती चलूं कि ये है मेरी कलेक्शन का दूसरा पीस. @nyc.pk जो है मेरा इंस्टा का पेज है और nyc पेज है मेरे फेसबुक का. अगर आपको पसंद है तो ये हर साइज में अवेलेबल है. ऑर्डर प्लेस करें या फिर हमें फोन करें हमारे नंबर्स पर. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. आकिफ इलियास आपको दिखा रहे हैं आज महंगे मेकअप की ब्राइट जो कि अभी तक जिसकी कीमत पहुँच चुकी है 49,000 का सामान. और जो सस्ते मेकअप की ब्राइड है उसकी कीमत पहुंच चुकी है 6,450 रुपए. अभी भी मेकअप जारी है. मैं आपको दिखाती चलूं जो आंखों पे लगाया गया है ग्लिटर पैलेट है ये मिस रोज का जो कि 1,000 रुपए इसकी कीमत है. ये ऐड इन किया था आपने? नहीं. हाँ ओके ऐड इन करें. ये वाला जो है वो लगाया गया है. बाकी मैंने आपको शेड्स दिखा दिए थे जो कॉर्नर्स बनाए गए हैं ब्राउन कलर से वो भी उसी पैलेट से दिखाए बनाए. अभी बिल्कुल बिजी हैं आकिफ जल्दी जल्दी इन्होंने मेकअप करना है. मस्कारा आईलैशेस गम कौन सी थी भाई? आईलैशेस गम दिखाओ जो ये यूज़ की है इसके लिए छोटी वाली. ये बहुत कर ले लैश कर ले. ये कितने की छोटी सी गम? अब आपको तो जाहिर है जो वो होती है ना मतलब लाइक जो घर में इस्तेमाल करने होते हैं आपने तो रोज़ रोज़ तो नहीं मेकअप कर रहे होते तो आप लोगों के लिए बिल्कुल छोटी सी गम बिल्कुल ट्राई करो. अच्छा है नहीं अच्छी है तो दूसरी ले लो. कितने की है ये? ये पैकेट आता है पूरा 700 का 800 का. हाँ क्योंकि अच्छा ड्राई भी नहीं होता होगा. 6 होती हैं ये. अच्छा 700 का पैकेट आता है जिसमें 6 होती हैं ये. तो अब आप खानदान में भी बांट सकते हैं. अब मिस रोज नीचे. हाँ तो एक समझो 100 रुपये की हुई ना. हाँ 100 कुछ रुपए की.
ठीक है, ये मैं आपको एक और दिखा रही थी, वो 75 रुपीज वाला आप शेड दिखाना, जैसे होता है ना कुछ शेड आपके पैलेट में नहीं है और आपको अलग से कुछ लेने हैं हाईलाइट वगैरह के लिए, तो ये कितने, 150 रुपए का था ये, कितने, 75 रुपीज का, 75 रुपीज का शेड है ये, सिंगल शेड आपने कुछ लेना है अपने खास आपके, भाई मेरे बाल खराब हो रहे हैं साइड में, हाँ तो ये बड़ा जबरदस्त मुझे लगा कि आप के पास पाकिस्तान में मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं जिनको आप जाके डिस्कवर कर सकते हैं और आप मेकअप देखें, आप जस्ट मेकअप देखें आप कि क्या डिफरेंस है, क्या बेस कोई फर्क लग रही है, अच्छा इसकी बेस देखें, अब आइए इसकी बेस की तरफ देखें क्या सेम चीज है, सेम इम्पैक्ट आ रहा है, अभी वो ऑब्वियसली पूरा तैयार हुई हुई है, अभी इसको ब्लशिंग वगैरह सब लगना है, मिस रोज का लिप पैलेट भी है भाई, 1000 रुपीस में, हाँ सो मैनी लिपस्टिक्स, ओह वाह, 100 रुपए की भाई, 1000 रुपीस यानी एक लिपस्टिक 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 लिपस्टिक्स के शेड्स आपको मिल रहे हैं 1000 रुपीस में, हैं 100 रुपए से भी कम की हुई लिपस्टिक, जस्ट इमेजिन, एंड लुक एट द फिनिश, हां सिर्फ ये लिया, अब देखो इतनी सी 66 रुपए की एक लिपस्टिक पड़ी है आपके, हम आपको महंगाई के उस दौर में भी ना बहुत पीछे ले गए, हाँ कि भाई इतनी सस्ती भी चीजें हो सकती हैं, और पता है सस्ती है या महंगी है, आउटकम अच्छा होना चाहिए, एंड रिजल्ट मैटर करता है, एंड में रिजल्ट मैटर करता है कि आपका क्या आ रहा है, समटाइम लोग मेकअप स्टार्ट करते हैं वो इतना गंदा मेकअप करते हैं, बट मैं कहता हूँ करने दो, मुझे पता है एंड में वो एंड रिजल्ट जो है वो मैटर करता है, बहुत कुछ दे हैव मेकअप फिक्सर, मैं मेकअप फिक्सर विंटर में नहीं लगाता क्योंकि बहुत कड़क हो जाते हैं, जैसे हेयर स्प्रे पे करो हेयर कड़क हो जाते हैं, शी इज डन, ओके तैयार हो गई है बाल, अब इसके बाल बस होने, हाँ वो कोई दुपट्टा फिक्स कर देगा, हम यहाँ पार्टी मेकअप भेज रहे हैं, हम आपको पार्टी मेकअप दिखा रहे हैं जरा इसके बराबर मेकअप से, अभी जरा दुपट्टा हमारा सेट हो जाए ना फिर मैं शॉट लेती हूँ दोनों का एक साथ, आ जाओ दुपट्टा सेट करो प्लीज उस तरफ से आ जाओ, और मैं यहाँ बुला रही हूँ अपनी अगली मॉडल को महंगे मेकअप के लिए, आ जाओ फाउंडेशन मैंने का करवा दिया था, बस मैं ये महंगे मेकअप का वो है, अच्छा हम ये इसको हुदा लगाया था मेरी असिस्टेंट ने, यस वही पूछ रही थी, अब मैं ब्राइटन करने के लिए जस्ट सिर्फ उसने लिक्विड लगाया है, अच्छा लिक्विड बेस दिए, अब मुझे थोड़ा सा अपना टच चेक, ये है पार्टी मेकअप, ये पार्टी मेकअप है, और तुम कौन सा वो दे रहे हो लूज पाउडर, स्मैश बॉक्स, स्मैश बॉक्स कट ट्रांसलूसेंट, लगा दिया, हमारे पास टाइम कम है, हम आपको पार्टी मेकअप भी दिखाना जा रहे हैं वहाँ, जब तक ऑन द अदर हैंड शारिक की ब्राइड दिखाएं वो तैयार हो चुकी है और वो आपको एक ऐसी ब्राइड नजर आएगी लाइक वो एक टिपिकल ब्राइड है जो हमारी और लड़कियाँ चाह रही होती हैं कि हमारा मेकअप ऐसा हो, हमारी अम्मी का भी ऐसे ही हुआ था, वो वाली चीज़ है, तो हर तरह का मेकअप आपको आकिब के सैलून पर मिलेगा जो आप जिससे खुश होंगे, अभी आपने एक सिग्नेचर ब्राइड देखी, वलीमा ब्राइड देखी, हाँ Back to bombs. आपको सामने लाइव हम दिखा रहे हैं ये सारा मेकअप करके ताकि आपको ये ना कह सके नहीं भाई पीछे से लगा दिया होगा कोई अच्छी चीज इम्पैक्ट देने के लिए, तो इसीलिए लाइव आकिब ने कहा मैं लाइव मेकअप करके दिखाऊंगा, हमारे टाइम शॉर्टेज की वजह से हमने बेस लगा दी, अब कॉन्टोर हो रहा है ये वो लॉरियल वाली चीज से जो 1700 रुपए का था, हाँ बैक टू ब्रॉन्ज, सी इतनी विजिबल कंटूरिंग नहीं होती इसकी, बस जस्ट, और वैसे भी जब आप स्क्रीन पे आते हैं तो हमें थोड़ा बहुत कॉन्टोर करना पड़ता है, जब हमें कहीं जाना होता है तो, और वैसे भी इसके फेस के लिए हमें जब कहीं जाना होता है हम कम कॉन्टोर करते हैं, खुद सारे सेलिब्रिटीज जितने भी एक्टर्स हैं एक्ट्रेसेस हैं होस्ट हैं नॉर्मल लाइफ में तो बिल्कुल ही मैंने देखा नहीं करते, जस्ट पिंक ब्लश लगाया बस, एक बेस तो अवॉइड ही करते हैं,
सिर्फ कंसील कर लिया तो कर लिया कि हमारे हल्के नजर ना आए, जा रहे नींद नहीं पूरी होती काम का ऐसा वो है जी। मॉर्फी का ब्लशन यूज किया गया है इसके फेस पर और अब मॉर्फी का एशियल किट खोलो, आईब्रो अगेन, ये हुदा का पैलेट है और इससे मैं खोल इसका बिल्कुल लाइट वाला जो कलर है वो यूज कर रहे हो तुम। हाँ टू मेक लुकअप, हमने दो मिनट में यही मेकअप करना है, यहाँ पर दो मिनट रह गए। बंदा वैसे ही दिमाग उसी वक्त जब चेहरा सामने आता है कपड़े सामने आते तो बंदा दिमाग बनाता है अच्छा ये मेकअप करूं है ना आके। yes. हाथ ब्राइट्स में भी सॉफ्ट रखता है वो ताकि वो ब्राइट प्यारी लगे। बहुत कपड़े ज्वेलरी इतना कुछ होने के बाद भी अगर मेकअप भी हैवी हो जाएगा फिर यू वोंट लुक योरसेल्फ। तो तुम जो क्रीज उसकी है जो डेप्थ है शो पे तो आई स्वेयर मजा आ जाता है। आयल चेंज है ना। हाँ कुछ चेंज होप पीपल विल लाइक इट क्योंकि ये सब उन्हीं के लिए हो रहा है। हाँ ये अब आपको एक आइडिया भी दे जा रहे हैं कि आप ऐसा मेकअप कर सकते हैं पार्टी मेकअप महंगा सस्ता सब आपको करके दिखाया जा रहा है। अच्छा क्रीज आपने ब्राइट कलर से बनाई है। अब इस ये जो पिंक्स के चार कलर्स थे इससे अब इसको मुझे जैसे ये क्या है एक लिक्विड ग्लिटर काइंड ऑफ है एंड इट्स ये किसका कौन सा ब्रांड है। ये भी लोकल ब्रांड है 200 रुपए का। नहीं ये तो हम महंगा मेकअप कर रहे हैं आप भूल गए। नहीं सॉरी सॉरी ये नहीं है ये नहीं है ये किसका है वो सिल्वर वो दूसरा ये हैंग वो ये नहीं है ये महंगा वाला है हैंग फैंग ये महंगा वाला खुद कंफ्यूज हो जाता है इंसान जाहिर है अभी बताते हुए। इसका अच्छा। सिल्वर भी है और अच्छा। गोल्ड भी है। ये कहाँ थाईलैंड से लिया है। नहीं नहीं ये यहीं से यहीं से आगे हम क्या करें हमारी दुल्हन लिपस्टिक कौन सी लगाओगे वो दिखा दो। शॉकिंग पिंक और न्यू लेट मी दिखा। ओके शॉकिंग पिंक लिपस्टिक और न्यूड लिपस्टिक को मिक्स करके लगाएंगे कुछ शेडिंग करेंगे। अल्लाह मैंने तो ये देखना है और लोगों को दिखाना भी है हमारे पास हाय। लैश ओके लाइनर लिपस्टिक दिखानी भी है। लाइनर 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 चलो हम अगली वाली मॉडल का ब्रेक के बाद आएंगे तब कॉन्टोर वगैरह ब्लशिंग कर देंगे सिर्फ आई मेकअप और लिपस्टिक दिखाएंगे उनकी ताकि हमारे पास टाइम जो है हम ज्यादा से ज्यादा आपको सिखा सकें। एक ही पेंसिल है थोड़ा डिफरेंट है इस दफा इन्होंने लाइनर के बजाय पेंसिल लाइनर बिकॉज पार्टी मेकअप तो आई वांट लिटिल उसकी एज के अकॉर्डिंग भी सॉफ्टनेस आए इसमें ठीक है इसलिए ग्लिटर भी लग गया ग्लिटर भी उसमें भी इतना इंटेंस लाइनर लग जाएगा तो वो शी स्टार्ट लुकिंग एल्डर। मेकअप करके भी आपको उसी एज का लगना चाहिए जिस पे आप हैं ऐसा नहीं है कि फिर आप लोग मेकअप करके आप थोड़ा बड़े 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 लगने लगे वो भी लिपस्टिक मुझे अच्छा इसके बाद लैशेस तो नहीं लगा रहे ना तो पार्टी मेकअप में। हाँ मैबेलिन का मस्कारा
डायरेक्ट लिपस्टिक लगा दे ताकि फिर हम मस्कारा वगैरह बाद में दिखा देंगे. लिपस्टिक मुझे देखनी है. लिपस्टिक देखनी है. ये लगाता हूँ सब नहीं. ओके फैमिली की. ओके ये 1000 रुपीस का नहीं है. महंगा वाला मेकअप हो. लिपस्टिक 1000 वो है. 1000 में 15 लिपस्टिक. ये 1000 में एक. सही बात. वाओ कितना प्यारा कलर है. ये कौन सा है? एमिली. एमिली का बहुत प्यारा कलर है. ये है 2000 का है और ये है मेकअप रेवोल्यूशन का. मेकअप रेवोल्यूशन का 2000 का पैलेट है और इससे हम कौन सा कलर उठाया है इसमें से? दिस वन ये वाला कलर उठाया है और वो सेंटर में लगाया है लिप्स के. ओके जी यहाँ मैं ले रही हूँ एक छोटा सा ब्रेक. ब्रेक के बाद आऊँगी तो मैं आपको सस्ते मेकअप से पार्टी मेकअप दिखाऊंगी. फिर कंपैरिजन कीजिएगा कि क्या आपको एक जैसे लग रहे हैं ये मेकअप और फिर अपनी जेब के हिसाब से मेकअप इस्तेमाल कीजिएगा. NYC का दूसरा पीस आपके सामने है. इंशाल्लाह आपको बाकी पीसेस भी बहुत अच्छे लगेंगे. एक के बाद एक मैं पहन के आपको दिखाती रहूंगी. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. अपना बहुत ख्याल रखिए और मेरा इंस्टा का पेज है @nyc.pk. फेसबुक का पेज है NYC. गुड मॉर्निंग. अब इस कमर्शियल को इस एड को देखने के बाद मैं आपसे करने वाली हूँ एक सवाल और वो सवाल है रिलेटेड यूफोन सुपर कार्ड प्लस के हवाले से. ठीक है. यूफोन सुपर कार्ड प्लस में अनलिमिटेड क्या है? यूफोन सुपर कार्ड प्लस में अनलिमिटेड क्या है? आई रिपीट. माइक उठाए. ओके दोबारा बोलिए. मुझे आपकी आवाज आ गई. आपने उल्टा माइक पकड़ा. फेसबुक जी जनाब लोगों को भी आवाज आ चुकी है. यूफोन सुपर कार्ड प्लस महीने भर के लिए दे रहा है आपको अनलिमिटेड फेसबुक फ्री. और आपको पता है मैं आपको क्या दे रही हूं? मैं आपको दे रही हूं साल भर की बेफिक्री. आइए इतनी घबरा रही है. आई नहीं रही है. मैं ले जाऊं क्या? जी तो ये है आपके लिए मेरी तरफ से साल भर की बेफिक्री. थैंक यू. न्यू फोन सुपर कार्ड प्लस साल भर के लिए फ्री. जी मैं वापस आ गई हूँ आकिफ के पास और आकिफ ने शुरू कर दिया है. टाइम कम है. मुकाबला सख्त. अब ये सस्ते मेकअप से पार्टी मेकअप करके दिखा रहे हैं. इन्होंने जो कलर्स यूज किए हैं मैं जल्दी से वहां तक पहुंच जाती हूँ. बेस इन्होंने बता चुके हैं जो ब्राइट पे मेकअप बेस वही सेम है. ओके तो यहाँ जो पैलेट है मेकअप का उसमें से ब्लैक कलर इन्होंने चूज किया और इन्होंने आंखों पे ब्लैक कलर लगाया है. आई लैशेस कौन सी लगाई थी? अर्थमेटिक की आई लैश लगाई है. व्हिच इज कॉस्ट अभी 65 or 50 रुपीस. अच्छा जबरदस्त भाई. और साथ अब इस पे अब आई एम गोइंग टू अप्लाई शिमर भी अप्लाई हो रहा है ब्लैक मिस रोज का. ओके ब्राउन और ब्लैक शिमर को मिक्स करके लगा रहे हैं ये. अच्छा शिमर लगाने के लिए कोई और चिपकाने वाली चीज लगाने नहीं ये प्रेस ग्लिटर है. अच्छा प्रेस ग्लिटर. हां जस्ट यू हैव टू प्रेस इट एंड इट्स ऑल चिपक जाता है. खुला है. ओके ग्रेट. ऊपर मस्कारा
अच्छा काजल भी लगाया आंख में? काजल भी। काजल कौन सा लगाया है? काजल मैंने लगाया है, नहीं ये वाला नहीं लगाया, मार्कर जीरो मेकअप नबीला का। अच्छा उनका काजल भी है? उन्होंने मुझे काजल और मस्कारा भी लाइनर भेजा है नबीला ने। अच्छा ये जीरो मेकअप का है, इसका वन साइड इस काजल। ये अभी रिलीज हो गया है? पता नहीं मार्केट में नहीं आया, बट शी सेंट मी कि देखो क्या है इसका, तो मैं यूज करके उनको बता रहा था। अच्छा। और एक तरफ मार्कर में लाइनर है। ओ वाओ वाओ वेरी नाइस, और पैकिंग भी कितनी अच्छी है, एक तरफ लाइनर है एक तरफ काजल है और एक तरफ काजल लगा है। अच्छा नबीला भी पता नहीं कहाँ से सोच के आती है ना चीजों को। वाओ और ये काजल है वेरी नाइस क्वालिटी, जबरदस्त माशाल्लाह। और लिपस्टिक कौन सी दे रहे हो? बिल्कुल पेल, उसमें से ही दो न्यूट कोई कलर। हाँ अच्छा जब तक ये अच्छा नीचे ब्राउन शेड दे रहे हैं काजल के नीचे भी, उस तभी तो उस पे बहुत अच्छी डेप्थ आ रही है, स्मोकी आईज हैं तो वो डेप्थ दिया जा रहा है। जब तक ये फिनिशिंग कर रहे हैं मेकअप की, मैं आपको दिखाना चाहूँगी दोनों ब्राइड्स जो हमारी तैयार हुई हुई हैं। तुम इधर आओगी? हाँ तुम इधर आओ प्लीज, इसके बराबर जी। अब आप देख सकते हैं ये इस ब्राइड की कीमत है, आई एम सो सॉरी, हाँ फाकिहा के जो ये जो मेकअप है सस्ता मेकअप से रीजनेबल मेकअप से हमने ब्राइड तैयार की है, ये है 6,550 में सारा मेकअप आ गया जो इनके ऊपर इस्तेमाल हुआ। और ये बहुत महंगी ब्राइड है, 49,000 का मेकअप इन पर इस्तेमाल हुआ है। ऑब्वियसली आप जाहिर है वो बार बार इस्तेमाल करेंगे लेकिन ख़रीदना तो पड़ेगा ना, तो 49,000 का मेकअप इन पे। और आप देख सकते हैं दोनों माशाल्लाह दोनों की क्वालिटी सेम नज़र आ रही, दोनों बराबर प्यारी नज़र आ रही है। अगर मैं ऑन स्क्रीन देखूं और आप कंपैरिजन करें दोनों बराबर प्यारी लग रहा है कि एक ही हाथ से मेकअप हुआ हुआ है। ब्रांड फ़र्क है, सस्ती और महंगी ब्रांड्स हैं मगर कोई डिफरेंस नहीं है मेकअप में। आप देख सकते हैं बेस दोनों की बहुत अच्छी लग रही है, आई मेकअप हसीन लग रहा है, लिपस्टिक के कलर्स दोनों के अपनी जगह सेम है। साथ अब दोनों पार्टी मेकअप्स भी मैं कंपैरिजन करके दिखाऊंगी। आ जाओ महवेश, ये उससे हुआ है मिस रोज से है मिस, हाँ मैंने दिखाया अभी, आओ इधर आओ तुम लोग, तुम दोनों यहाँ खड़ी हो पार्टी मेकअप तो जी। हाँ जी अब इनको बताएं कौन सा महंगा कौन सा सस्ता, आप खुद गैस करें जरा, देखें आपको याद हो नहीं। ये है महंगे मेकअप की का पार्टी मेकअप, ये है सस्ते मेकअप का पार्टी मेकअप। आप इनका क्लोज पे जाएं, थोड़ा और क्लोज अगर जूम कर सकते हैं तो करें, और आप एक एक करके दिखाइए बराबर बराबर। ये देखिए ये है सस्ते मेकअप का पार्टी मेकअप, हसीन मेकअप आ रहा है, और ये है महंगे मेकअप का पार्टी मेकअप, ये देखिए। आकिफ का हाथ है तो वो हर मेकअप को उठा सकता है, वो उसको किसी ब्रांड को बैसाखी बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये कॉन्फिडेंस आप अपने अंदर भी रखें क्योंकि अपने चेहरे को इंसान सबसे बेहतर जानता है। तो कहना यही है मेरा कि अगर आपकी जेब इजाज़त नहीं देती और आप मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हैं या चाहते हैं तो आप सस्ते मेकअप से अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। ये इनकरेज करने के लिए आकिफ हमेशा नए लोगों को बहुत इनकरेज करते हैं। सब आए सब, बिकॉज ये अब पहले मेकअप आर्टिस्ट एक एक अब ये प्रॉपर फील्ड बन चुकी है, पूरा एक बिजनेस बन चुका है। तो उसमें अगर आप स्टार्टिंग में ही नए, वही मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है समझाने का कि आपको हर प्रोडक्ट की नो हाउ होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ स्टिक से ही आता है, स्टिक्स भूल आए तो फिर हाथ पैर भूल गए, नहीं ये नहीं, आपके आगे कुछ भी आ जाए वो ही मैंने बोला था ना, इट्स नॉट अबाउट ब्रांड्स इट्स अबाउट हैंड्स। तो आपके हाथों का जादू है, ब्रांड्स तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, बिल्कुल आज ये ब्रांड्स है कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, 10 साल बाद कुछ और होगा। जो मेकअप आता है वो किसी भी आता है वो किसी के ब्रांड का, किसी भी कुकिंग में भी है स्टिचिंग में भी है, ये रूल ये फॉर्मूला ये मिथ हर जगह अप्लाई करके देखें। जरूरी है कि एक्सपेंसिव ही चीज आपको खुशी दे, सस्ती चीज आपको बहुत ज्यादा खुशी दे सकती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो बिकॉज दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट शो इन पाकिस्तान। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी जनाब।
ये था हमारा आज का प्रोग्राम. उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा. ये आइडिया भी आकिफ ने खुद ही दिया था और हमने इनके साथ ही आपको दिखाया है ये करके. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल एक ज़बरदस्त प्रोग्राम के साथ और मेरे एक और खूबसूरत कलेक्शन के जोड़े के साथ. तो नेक्स्ट कलेक्शन का जोड़ा देखने के लिए स्टे ट्यून टिल टुमारो मॉर्निंग at nyc.pk is my Insta page and NYC is my Facebook page. Good morning, Pakistan. See you tomorrow. Khuda hafiz.